वेरी गुड आफ्टरनून एवरीबडी दिस इज़ अश्विनी सैनी एंड आई एम योर इंग्लिश टीचर आई वेलकम यू अगेन इन द लाइव सेशन ऑफ आयल्स प्रिपरेशन सीरीज स्वागत है आप सभी का आई होप यू ओल आर हेल एंड हार्टी आप सभी चुस्त हैं दुरुस्त हैं आपके परिवार में सभी सब कुछ ठीक है वेरी गुड आफ्टरनून आकाशदीप बिपिशा वरुण सुषमा अमनदीप रोहित ऑल ऑफ यू वेरी गुड आफ्टरनून मोना अजीत वी विल बिगिन द सेशन इन अ कपल ऑफ मिनट्स मीन वाइल ऑल द स्टूडेंट्स विल कनेक्ट जो रेगुलर हैं तब तक कुछ जो इंस्ट्रक्शंस हैं जो जरूरी बातें हैं जो डिसिप्लिन से जुड़ी हुई बातें हैं वो मैं कर लेता हूँ आपके साथ सबसे जरूरी है वो कलेक्शन करना रोज का टारगेट 50 वर्ड्स का है अगर आप एक आयल्स के सीरियस स्टूडेंट हैं अगर आप दो तीन महीनों में सेवन प्लस स्कोर आयल्स में चाहते हैं तो रोज का आपका 50 वर्ड्स का टारगेट है जिसे आप एग्जाम्पल्स के साथ करेंगे और अगर आपको ये खुद से करने में प्रॉब्लम आ रही है तो तीन बजे हमारे यूट्यूब चैनल पर आपको वो का सेशन मिल जाएगा जिसमें फिफ्टीन ट्वेंटी ट्वेंटी फाइव वर्ड्स को बड़े अच्छे से एग्जाम्पल्स के साथ एक्सप्लेन किया जाता है और ऐसे एग्जाम्पल जिनकी आप तस्वीरें बना सकते हैं और वो तस्वीरें कभी आप भूलेंगे नहीं एंड दैट इज़ द बेस्ट वे ऑफ डूइंग द वकेबलरी एसोसिएशन मेथड इमेज से वकैब को सीखने का मेथड सबसे बेहतरीन मेथड होता है तो वकैबलरी इज़ एवरीथिंग बिकॉज आयल्स रीडिंग टेस्ट इज़ अ वकीबलरी टेस्ट और जब बात आती है स्पीकिंग और राइटिंग मॉड्यूल की वहाँ भी बिना वकैब के आप ज़्यादा कुछ नहीं कर पाएंगे सो so, वोकैब पे आप काम लगातार करते रहें इसके अलावा इस सेशन में बारह बजे के लाइव सेशन में मैं एक रीडिंग पैसेज पूरी तरह डिस्कस करता हूं उस पैसेज में जितने भी क्वेश्चन टाइप होते हैं दो या तीन क्वेश्चन टाइप होते हैं येस नो नॉट गिवन ट्रू फॉल्स नॉट गिवन शॉर्ट आंसर क्वेश्चन समरी कंप्लीशन पैराग्राफ हेडिंग पैराग्राफ मैचिंग डायग्राम लेबलिंग जो भी होता है मैं उसे डिस्कस करता हूं लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप अपने लेवल पर रीडिंग पैसेज करना छोड़ दें कीप डूइंग एट लीस्ट वन मोर रीडिंग पैसेज एट योर होम एट लीस्ट अगर आप जल्दी ही इसका एग्जाम देना चाहते हैं तो दो रीडिंग पैसेज आप अपने लेवल पर रेगुलर करते रहें और उसमें जो सबसे जरूरी शब्द होता है वो होता है एनालिसिस जी हाँ रीडिंग पैसेज करने के बाद जब आप देखते हैं कि मेरे आउट ऑफ थर्टीन एट क्वेश्चन करेक्ट हैं पांच क्वेश्चन इनकरेक्ट हैं तो पांच इनकरेक्ट क्वेश्चन क्यों इनकरेक्ट हो गए आप उस चीज़ के पीछे हाथ धो के पड़ जाएं जब आप अपनी गलती का पता करेंगे जब आप ये देखेंगे कि मुझसे किस तरह की गलती हुई है मुझे वकैब की प्रॉब्लम है मुझे कॉम्प्रिहेंशन में प्रॉब्लम है मुझे ग्रामर समझ में नहीं आती मुझे टिप्स ट्रिक्स में प्रॉब्लम आती है मैं उलझ जाती हूँ उसमें उलझ जाता हूँ तो उस पर आप काम करना शुरू करें और उसी पर काम करने के लिए ये सेशन मैं लाइव ले रहा हूँ यहाँ पे उन ट्रिक्स को समझा कीजिए उन वकैब को समझा कीजिए जो रीडिंग में आपकी हेल्प करेंगी तो दो काम आपको रोज़ करने हैं वो है वकैब कलेक्शन और दूसरा कम से कम एक रीडिंग पैसेज नहीं तो दो रीडिंग पैसेज विद एनालिसिस अपने गलत जवाबों का एनालिसिस करना कभी भी मत भूलें एक चीज़ जो मैं देख पा रहा हूँ कुछ नए स्टूडेंट्स हमारे साथ कनेक्ट हुए हैं मैं उनका स्वागत करता हूँ हमारे यूट्यूब चैनल पर मैं चाहता हूँ ये कम्यूनिटी बड़ी हो मैं जो मेहनत करता हूँ उसकी जो वैल्यू है वो मुझे मिले आप ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे इस रिसोर्स से सीख पाएँ अपने आयल्स के बैंड स्कोर को हासिल कर पाएँ और अपनी ज़िंदगियों को बेहतर कर पाएँ आगे के प्रोसेस के साथ तो आप लाइक like करें इस वीडियो को शेयर करें इन वीडियोस को अपने उन फ्रेंड्स के साथ जो इंग्लिश सीखना चाहते हैं जो आइल्स करना चाहते हैं और जो नए हैं वो सब्सक्राइब कर दें इस चैनल को नीचे सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करके तो देरी ना करते हुए चलिए शुरुआत करते हैं हमारे आज के रीडिंग सेशन की पाँच बजे राइटिंग का सेशन भी होता है जिन बच्चों को नहीं पता तो पाँच बजे एक बार फिर से आप लाइव हो जाइएगा हम राइटिंग भी डिस्कस करते हैं रीडिंग राइटिंग वैकैबलरी तीनों चीजों पे आपको एक सेशन हमारे यूट्यूब चैनल पे रेगुलर मिल रहा है इस लॉकडाउन में जब आप फिजिकल कोचिंग एक्सेस नहीं कर पा रहे तो ये एक विन विन सिचुएशन है आप पढ़ पा रहे हैं मैं पढ़ा पा रहा हूं आपका भी फायदा मेरा भी फायदा तो चलो एक दूसरे का फायदा करते हैं ओके लेट्स बिगिन हेलो एवरीबडी हेलो जब मैं बिज़ी हो जाता हूँ टीचिंग में डिस्कशन में तो मैं कमेंट्स नहीं देख पाता तो माफ़ कीजिएगा अगर बीच में मैं कोई कमेंट मिस कर जाता हूँ या आपकी किसी बात का रिप्लाई नहीं कर पाता जब मेरा ध्यान पढ़ाने से थोड़ा हटेगा मैं तभी कमेंट्स पढ़ पाता हूँ तो जिस वक्त मैं डिस्कस कर रहा हूँ कमेंट्स मैं नहीं देख पाता उसके लिए मैं क्षमा चाहूँगा तो आज के सेशन की शुरुआत करते हैं तो आज का जो हमारा रीडिंग पैसेज है वो है कोड कोड इन ट्रबल जी हाँ कोड इन ट्रबल अब आप सोच रहे होंगे कोड क्या होता है कोड हमारे इंडिया में ये नाम आपके लिए बेशक थोड़ा नया होगा ये वर्ड नया होगा कोड एक तरह की फिश होती है फिश एक मछली कोड एक फिश का नाम है जिस तरह से सालमन एक फ़िश होती है यहाँ पे हमारे इंडिया में ये फ़िश इतनी ज़्यादा कंज्यूम नहीं की जाती और सी फूड के अंदर इसका कंजम्पशन बहुत ज़्यादा होता है विदेश में ऑस्ट्रेलिया न्यूज़ीलैंड अमेरिका यूरोपियन कंट्रीज़ वहाँ पे बहुत कंजम्पशन है फिशेस का सी फूड का तो इस पूरे के पूरे रिडिंग पैसेज में कॉड जो फिश है समंदर में वो फिश का जो स्टोक है वो कलेप्स हुआ काफ़ी संख्या कम हो गई जिससे मछुआरों को उन कंपनियोंज़ को और वहाँ के लोगों को बहुत नुकसान होने लगा तो उसके पीछे के कारण उसके पीछे की रिसर्च ये आप इस रीडिंग पैसेज में करने वाले हैं और इससे जुड़े हुए प्रश्न जी हाँ इससे जुड़े हुए प्रश्न कौन से हैं वो आप देखें इसमें आप सबसे पहले तो करेंगे पैराग्राफ हेडिंग के जी हाँ वन टू सिक्स तो वन टू सिक्स जो आपके क्वेश्चन हैं वो हैं आपके पैराग्राफ हेडिंग पैराग्राफ हेडिंग पैराग्राफ ए टू जी वन टू सेवन क्वेश्चन आपको पैराग्राफ हेडिंग के करने हैं और ये है आपकी पैराग्राफ हेडिंग थोड़ी देर में मैंने डिस्कस करूंगा एक्सप्लेन करूँगा एक बार मैं बता रहा हूँ कि क्या क्वेश्चन आज आप करने वाले हैं इस पर्टिकुलर रीडिंग में तो सिक्स क्वेश्चन आपके पैराग्राफ हेडिंग है और उसके बाद सेवन जो आपका क्वेश्चन है वो है आपका मल्टीपल चॉइस एथ क्वेश्चन भी देखा जाए तो एबीसीडी मल्टीपल चॉइस है हालांकि उसके अंदर कुछ ग्राफ्स बने हुए हैं नाइन्थ टेंथ क्वेश्चन भी आपके मल्टीपल चॉइस हैं नाइन्थ एंड टेंथ क्वेश्चन और इलेवन टू फोर्टीन है आपके येस नो नॉट गिवन तो यहाँ पे तीन क्वेश्चन टाइप हैं और एक मल्टीपल चॉइस येस नो नॉट गिवन और पैराग्राफ हेडिंग तो ये क्वेश्चन आज हम करने वाले हैं इस पर्टिकुलर रीडिंग के अंदर डिस्कस ठीक है तो आप लोग अपनी पेंसिल कॉपी लेकर बैठें जो जवाब आपको कमेंट्स में लिखना है उसे कमेंट में लिखें और जो वोकेबलरी आपको नोट करनी है अपनी नोटबुक में उसे ज़रूर नोट करें मैं हिंदी मीनिंग बताता जा रहा हूं साथ साथ आप उसे लिखते चलें जब मैं रीडिंग करता हूं मैं हर एक चीज़ को एक्सप्लेन करता हुआ चलता हूं तो जो भी काम का वर्ड है उसे आप नोट करते चलें आयल्स रीडिंग टेस्ट इज़ अ वकीैबलरी टेस्ट उससे पहले दो चार टेक्निक हैं पहली स्कीमिंग एंड स्कैनिंग स्किम का मतलब होता है तेजी से पढ़ना कीवर्ड्स ढूंढने के लिए और स्कैन का मतलब होता है जैसे ही कीवर्ड मिल जाए तो बड़े स्लो पढ़ना धीरे धीरे पढ़ना अपने आंसर के लिए दूसरी टेक्निक होती है कीवर्ड मैचिंग टेक्निक जी हाँ क्वेश्चन में कुछ ऐसे वर्ड होते हैं जो टेक्स्ट में या तो आपको सेम मिल जाएंगे या तो सेम मिल जाएंगे जैसे फुटबॉल आपको क्वेश्चन में मिला तो टेक्स्ट में भी फुटबॉल मिल जाएगा लेकिन हमेशा ऐसा नहीं होता ज्यादातर वर्ड्स सिनोनिम्स होते हैं वो आपने ढूंढने हैं वो आपने खोजने हैं और वही ट्रिक्स होती हैं वैकेबलरी की तो जैसे फुटबॉल क्वेश्चन में है तो टेक्स्ट में फुटबॉल नहीं सोकर मिलेगा क्वेश्चन में प्रॉब्लम है तो टेक्स्ट में हार्डशिप मिलेगा क्वेश्चन में हॉलिडे है तो टेक्स्ट में वैकेशन मिलेगा तो इस तरह से कीवर्ड्स आपको मैच कराने हैं जैसे ही कीवर्ड मैच होगा लोकेशन मिल जाएगी लोकेशन मिल गई तो वहां ध्यान से पढ़ना है समझनी है सिचुएशन और उसके बाद अपना आंसर पिक करना है तो चलिए पहले एक बार देख लेते हैं कि हमारे पास हेडिंग्स में क्या क्या है जी हाँ हमारे पास इलेवन हेडिंग है यहाँ पे हमारे पास इलेवन हेडिंग है तो एक बार वो इलेवन हेडिंग समझ लेते हैं कि वो क्या है इस चीज का भी आप ध्यान रखें क्वेश्चन छः है हेडिंग इलेवन है जी हाँ क्वेश्चन सिक्स करने हैं, हेडिंग 11 करनी है इसका मतलब यानी पांच हेडिंग एक्स्ट्रा हैं, जो सिर्फ आपको कंफ्यूज करने के लिए यहाँ दी हुई हैं, वो आंसर नहीं होंगी लेकिन पढ़नी फिर भी हैं समझनी फिर भी हैं तो यहाँ पे पहली हेडिंग है फैक्ट्री क्लोजर यानी कि फैक्ट्रियों का बंद होना क्लोजर यानी कि बंद होना फैक्ट्री क्लोजर यानी कि फैक्ट्रियों का बंद होना ह्यूमन कोस्ट ह्यूमन यानी कि इंसान और कोस्ट होता है दाम इंसानी दाम द ह्यूमन कोस्ट द ट्रेजिडी ऑफ स्टेट स्टेट मिसमैनेजमेंट स्टेट ये सरकार के लिए इस्तेमाल करते हैं वे शब्द स्टेट गवर्नमेंट के लिए वर्ड इस्तेमाल होता है स्टेट चूँकि अमेरिका में स्टेट्स हैं यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका तो हर एक स्टेट अपने आप में कंट्री की तरह प्रिटेंड करती है उसके अपने नियम कानून होते हैं तो स्टेट वर्ड जहाँ आ रहा है वहाँ गवर्नमेंट इसका सेंस आ रहा है ट्रेजिडी होता है दुर्घटना कोई बहुत गलत घटना घटना ट्रेजिडी और मिसमैनेजमेंट होता है किसी चीज़ का मैनेजमेंट खराब हो जाना किसी चीज़ का प्रबंधन गलत हो जाना मिसमैनेज कर देना किसी चीज़ को तो द ट्रेजिडी ऑफ स्टेट स्टेट मिसमैनेजमेंट यानी कि सरकार के मिसमैनेजमेंट की वजह से यह दुर्दशा है या ये दुर्घटना हुई है अ वार्निंग टू द वर्ल्ड पूरी दुनिया के लिए एक चेतावनी इन इनको समझना सबसे पहले आपकी प्राथमिकता है पहले तो हैडिंग ही समझ में आएगी ना तभी तो किसी पैराग्राफ के सेंट्रल आइडिया को समझ के आप उसकी हेडिंग मैच करा सकते हो फिफ्थ देखें यूरोपियन टेक्निक यूरोपियन यानी कि यूरोप की टेक्निक यानी कि पद्धति कोई तरीका डिस्ट्रक्टिव ट्रोलिंग टेक्नोलॉजी अब यहां पे कुछ वर्ड नए हो सकते हैं आपके लिए तो यहां टेक्नोलॉजी का मतलब तो पद्धति कोई तकनीक ट्रॉलिंग का मतलब ट्रॉलर्स ट्रॉल trol. जैसे भाई आपका ट्रैक्टर होता है और ट्रैक्टर के पीछे अलग से एक ट्रेलर होता है या ट्रॉलर होता है जिसके अंदर सामान डालते हैं तो ट्रॉल जो एक गाड़ी के पीछे का एक हिस्सा होता है उसे ट्रॉल बोलते हैं डिस्ट्रक्टिव ट्रॉलिंग टेक्नोलॉजी डिस्ट्रक्टिव होता है विध्वंसक विनाशक डिस्ट्रक्ट करना विनाश करना तो यानी कि एक टेक्नोलॉजी है ट्रॉलिंग टेक्नोलॉजी जो कि विनाश करती है जो कि नुकसान करती है तो ये कुछ शब्द, शब्द हैं जो आपको आप अपने ध्यान में रखने हैं जब, जब आप पैराग्राफ की हेडिंग ढूंढने जाएंगे लेसन्स टू बी लर्नड पाठ जो हमें सीखने चाहिए शिक्षा जो हमें लेनी चाहिए इस तरह की दुर्घटनाओं से द डिमाइस ऑफ द नधन बोर्ड डिमाइस का मतलब होता है निधन मृत्यु सडन डिमाइस अचानक मृत्यु डिमाइस निधन होना मृत्यु होना मौत होना कैनेडियन फिशिंग लिमिट्स कैनेडियन कैनेडा जो कि नॉर्थ अमेरिका में है आपको पता होना चाहिए फिशिंग यानी कि मछली पकड़ने की लिमिट यानी सीमा कि सीमाएं कि भाई कितनी फिश पकड़ सकते हैं एक टाइम में ऐसे कोटाज़ होते हैं समंदर के अंदर वो आप लोगों को नहीं पता होगा मेरे ख्याल से हम में से ज़्यादातर लोग आ, मैदानी इलाकों से हैं पंजाब हरियाणा राजस्थान जो तटीय इलाकों से लोग हैं शायद उन्हें इस चीज़ की जानकारी हो कि फ़िशिंग लिमिट्स होती हैं कि एक दिन में एक मछुआरा या एक शिप कितनी फिश कैच करेगी और उससे ज़्यादा वो कैच नहीं करेंगी ब्रेकिंग ऑफ एग्रीमेंट एग्रीमेंट क्या होता है भाई एक डील होना एक समझौता होना उसको तोड़ना उसको ब्रीच करना समझौते को तो जिस भी पैरा में अगर पूरे के पूरे पैरा में किसी अग्रीमेंट को तोड़ने की बात हुई है तो उसकी हेडिंग हो जाएगी ये और इलेवेंथ है फोरन ओवर फिशिंग फोरन ओवर फिशिंग फोरन यानी कि विदेश विदेशी ओवर फिशिंग यानी कि ज्यादा मछलियां पकड़ लेना यानी कि विदेश से जुड़ा हुआ ये शब्द है जहां पे ज्यादा मछलियां पकड़ लेना उस बारे में बात हुई है All right तो ये सब हेडिंग्स आपकी यहां पे दे रखी हैं पहले तो इनका मतलब समझ में आना चाहिए चलिए अब हम एक एक करके देखते हैं कि किस पैराग्राफ की क्या हेडिंग है सबसे पहले ए ऑलरेडी इन्होंने हटाया हुआ है वो शायद एग्जाम्पल में दिया हुआ है तो तुम्हारा जो पहला क्वेश्चन है वो बी है ये भी एक ट्रिक होती है भाई

हेडिंग का क्वेश्चन कैसे करना होता है किसी एक लाइन या किसी एक वर्ड पे दाव मत खेलना पूरा का पूरा पैरा किस बारे में है पूरा का पूरा पैरा किस सेंट्रल आइडिया को डिस्कस कर रहा है एक्सप्लेन कर रहा है एलैबरेट कर रहा है रोशनी डाल रहा है तो जिस पूरे एस्पेक्ट पे ये पैरा रोशनी डालेगा वही हेडिंग सबसे सुटेबल होगी किसी एक वर्ड या किसी एक फ्रेज की मदद से अपना आंसर पिक मत करना ये ट्रिक होती है इस ट्रिक में इस ट्रैप में आपने नहीं फंसना है तो चलिए बी को आप पढ़ें और बीच में मैं हेडिंग्स आपको दिखाऊंगा और मुझे बताना कि क्या करेक्ट हेडिंग है पैराग्राफ बी की फर्स्ट का आंसर क्या है आई एम गिविंग यू वन मिनट राइट योर आंसर्स इन द कमेंट्स हरिअप डू इट फास्ट अप हरियप राइट योर आंसर्स इन कमेंट सम स्टूडेंट्स आर वेरी वेरी रेगुलर दे आर वेरी डिसिप्लिन मोना आंचल परविंदर अमनदीप तो मुझे बताएं। सतपाल आप कह रहे हैं बेस्ट टीचर थैंक यू वेरी मच इस तरह के शब्द इतना ज्यादा हौसला बढ़ाते हैं कि मैं उसे बयान नहीं कर सकता कई बार लगता है जब डीमोटिवेशन हमें भी आ जाता है कि कहीं हम गलत फील्ड में तो नहीं है ज्यादा कुछ हम कर नहीं पा रहे लेकिन जब बच्चे बताते हैं कि हमारा रोल उनकी जिंदगी में क्या है तो हौसला मिलता है कि हमारी जिंदगी खराब नहीं जा रही बेवजह नहीं जा रही वी आर प्लेइंग मीनिंगफुल रोल हेडिंग्स चलिए हेडिंग भी आपको दिखा देते हैं तो ये हैं आपकी हेडिंग्स टेक्स्ट पढ़ें और साथ में हेडिंग भी देखें तो यह है आपका टेक्स्ट ये है आपकी हेडिंग्स सिमरन आप लिख रहे हैं इलेवेंथ यह है आपका टेक्स्ट पैसेज कोड इन ट्रबल पैराग्राफ बी आपको हेडिंग बतानी है पैराग्राफ बी की मोना आप कह रहे हैं नाइन्थ रोहित आप कह रहे हैं इलेवेंथ हितेश आप कह रहे हैं नाइन्थ तो ज़्यादातर बच्चे इलेवेंथ या नाइन्थ इस पे अपना दाव खेल रहे हैं और शायद इसलिए आपको एक अध्यापक की ज़रूरत है एक मेंटर की ज़रूरत है आपको इस तरह की क्लासेस की ज़रूरत है क्योंकि ना ही इसका जवाब नाइन्थ है और ना ही इसका जवाब इलेवंथ है पहले मैं एक्सप्लेन करूंगा और मैं फिर बताता हूं कि इसका सही जवाब क्या है चलिए अब मैं एक ट्रांसलेशन दे रहा हूं आपको पूरा ये हेडिंग्स मैं बाद में बताऊंगा कि इसका सही जवाब क्या आ रहा है पहले मैं इसका ट्रांसलेशन आपको दे देता हूँ और मैं फिर बताता हूं कि सही आंसर क्या है ओके इन द नाइनटीन फिफ्टीज इन द नाइनटीन फिफ्टीज उन्नीस के दशक में कैनेडियन एंड यूएस ईस्ट कोस्ट कैनेडियन एंड यूएस ईस्ट कोस्ट वाटर प्रोवाइडेड एन एनुअल वन जीरो 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 टन यानी कि एक लाख इंडियन उसमें अगर इसको कहें तो एक लाख टन इन कोड कैचेस राइजिंग टू एट जीरो पचास के दशक में एक लाख टन और सत्तर के दशक में आठ लाख टन कोड यानी कि तकरीबन आठ गुना ज्यादा दिस ओवर फिशिंग लेट टू कैच ऑफ ओनली थ्री लैक्स टन तो वो दोबारा गिर गई भाई पांच लाख टन फिर कम हो गया उन्नीस सौ पचहत्तर तक

थाउजेंड टन इन नाइनटीन एटी तो बात कहाँ पे चली गई थी 1970 में आठ लाख मछलियों से बात कहाँ पे चली गई 139 तो आगे जब आप ये पढ़ते रहेंगे सारा तो बात चल रही है स्टोक्स जो कोड के स्टोक्स थे वो डिमिनिश हो रहे थे रिड्यूस हो रहे थे 25000 टन तो यहाँ उन्नीस में ये और कम रह गया ये देखो यहाँ पे बताते जा रहे हैं ट्वेंटी टन तो ये सारी बातें किसकी तरफ इशारा कर रही हैं? आप बताएं क्या बता रही हैं सारी बातें हरियाप हरियप डू इट फास्ट वट इज द करेक्ट आंसर एक चीज ध्यान दें आठ लाख उन्नीस सौ सत्तर में तीन लाख उन्नीस सौ पचहत्तर में और यहां पे बात कर रहे हैं उन्नीस सौ नब्बे तक आते आते ट्वेंटी नाइन थाउजेंड तो ये अचानक से बीस साल के अंदर सत्तर अस्सी नब्बे बीस साल के अंदर कितनी सारी कोड कम हो गई कितनी सारी कोड की क्वांटिटी कम हो गई किसके अंदर समंदर के अंदर तो इसलिए इसकी जो करेक्ट हेडिंग है अब मैं हेडिंग्स पढ़ रहा हूँ तो हमें यहाँ देखना क्या है जो बाकी की हेडिंग है या तो हम ये साबित कर दे कि वो इसकी करेक्ट हेडिंग नहीं है या तो यह साबित कर दे और जो इसकी करेक्ट हेडिंग है या सीधा हम उन्हें साबित कर दें ठीक है तो मैं एक एक करके आपको बता रहा हूं फैक्ट्री की बात हुई है नहीं हुई ह्यूमन कोस्ट की बात हुई है नहीं हुई द ट्रेजिडी ऑफ स्टेट मिसमैनेजमेंट तो शायद अभी तक ये बात भी नहीं हुई वार्निंग टू द वर्ल्ड वर्ल्ड के लिए चेतावनी भी बात नहीं यूरोपियन डिस्ट्रक्टिव ट्रोलिंग टेक्नोलॉजी बात तो भी नहीं है डिमाइस ऑफ द नदन कोड दिस इज द करेक्ट आंसर जी हाँ एट इसका करेक्ट आंसर है कैनेडियन फिशिंग लिमिट्स इसमें लिमिट्स की बात नहीं है द ब्रेकिंग ऑफ एग्रीमेंट ऐसा कोई समझौता और उसको तोड़ने की बात भी नहीं है फ़ोरन ओवर फिशिंग ओवर फिशिंग की बात तो है लेकिन फ़ौरन ओवर फिशिंग कि विदेशी लोगों ने आके ज़्यादा मछलियां वहां पे पकड़ ली इस बारे में बात नहीं है जिन बच्चों ने भाई इलेवेंथ लिखा है उनके लिए बता रहा हूं वो सिर्फ ओवर फिशिंग की वजह से उन्होंने अपना आंसर लिखा है जबकि इस पैरा में फ़ोरन ओवर फिशिंग का जिक्र नहीं है सिर्फ ओवर फिशिंग वर्ड पर आप दाव नहीं खेल सकते और जिन्होंने नाइन्थ लिखा है फिशिंग लिमिट्स वो लिमिट्स नहीं है भाई वो बता रहे हैं कि आठ लाख टन मछलियां मिल रही थी फिर वो गिर के तीन लाख टन हो गई आगे गिर गिर के नब्बे तक आते आते वो सिर्फ ट्वेंटी डिमाइस ऑफ द नदन कोट डिमाइस ऑफ द नदन कोड नदन यानी कि जो नॉर्थ का एरिया नॉर्थ का एरिया कैनेडा और नॉर्थ अमेरिका इसलिए नदन वर्ड यहाँ पे यूज हो रहा है सो दिस इज द हिंट ऑफ द आंसर और दिस इज योर आंसर तो कितना एक अंडरस्टैंडिंग चाहिए इस आंसर पर पहुंचने के लिए सारी हेडिंग को जो गलत हैडिंग है उनको पहले नल्लीफाई करना है उनको मतलब गलत साबित करना है और जो हमारी करेक्ट हेडिंग है उसके वर्ड को अंडरस्टैंड करना है डिमाइस जिसको डिमाइस का मतलब नहीं पता था शायद इसी वजह से वो एट्थ आंसर ठीक से लिख ही नहीं पाया तो चलिए इस अनुभव से सीख के आगे चलते हैं और आगे देखते हैं

पहले आप एक बार पैराग्राफ सी को, को ध्यान से पढ़ें और कहीं भी कोई कीवर्ड मैच मिलता है, मिल है, मिल है एग्रीमेंट वर्ड मिल जाता है या फिशिंग को, कोटा या लिमिट वर्ड मिल जाता है या ह्यूमन कोस्ट वर्ड मिल जाता है तो, तो वहां पर थोड़ा ध्यान से, से पढ़ना चूंकि वो, वो हमारी हेडिंग के लिए हिंट हो सकता है हरे डू इट फास्ट रीड पैरा नंबर सी जो बच्चे, बच्चे नए हैं नए जुड़े हैं सब्सक्राइब करें, करें चैनल को लाइक करें हमारे वीडियोस को और, और हमारी कम्युनिटी को ग्रो करने में मदद करें इट्स अ फ्री लर्निंग रिसोर्स फॉर यू। और, और अगर ये, ये फ्री रिसोर्स, रिसोर्स है तो, तो आपकी तरफ से सिर्फ जो हमें मिल सकता है वो है लाइक्स सब्सक्रिप्शन और शेयर यही सपोर्ट आपकी तरफ से चाहिए तो आप हमें सपोर्ट करें मैं आपको अपने अनुभव से अपनी टीचिंग से सपोर्ट कर रहा हूं और, और करता रहूंगा सी पढ़े हेडिंग भी दिखा देता हूं बीच बीच में पे भी नजर डाल लें देख लें कोई वर्ड किसी हेडिंग का मैच होता हो इन द कमेंट्स कमेंट्स में लिखें वेरी गुड आफ्टरनून जो नए बच्चे कनेक्ट हो रहे हैं सभी को दोपहर की नमस्कार वेरी गुड आफ्टरनून पर प्लीज फोकस यूरस करें, करें जिसके लिए ये सेशन, सेशन चल रहा है, है वैकैबलरी फोकस करें, करें बच्चे कह रहे हैं वर्ड का फोन बढ़ा दे चलिए जो बड़ा हो सकता है मैं अपनी तरफ से कोशिश कर लेता हूँ ओके आई थिंक इट्स इट्स बेटर सो विपिशा आप लिख रहे हैं सिक्स मोना आप लिख रहे हैं सिक्स सिमरन आप भी सिक्स लिख रहे हैं तकरीबन सभी बच्चों की ये सहमति है सभी इसका आंसर सिक्स लिख रहे हैं पैराग्राफ हेडिंग सिक्स यानी कि आप सभी कह रहे हैं डिस्ट्रक्टिव ट्रोलिंग टेक्नोलॉजी डिस्ट्रक्टिव यानी कि विनाशात्मक ट्रोलिंग यानी कि ट्रोल करने वाली जो मछलियों को खींच के ले जाती है या सारी मछलियों को साफ कर देती है मछलियों के साथ साथ जो एक्वाटिक लाइफ है जो दूसरी जीव जंतु होते हैं पानी के अंदर जो पौधे होते हैं सारा ही साफ कर लेती है वो टेक्नोलॉजी तो अगर इसका जिक्र सी में हुआ है तो सी इसका करेक्ट या सिक्स इसका करेक्ट आंसर है तो देख लेते हैं क्या ये बात सही है तो पहला ही वर्ड है डेवेस्टेटिंग लो लो जी पहला ही वर्ड डेवेस्टेटिंग और वहां क्या था डिस्ट्रक्टिव तो ये कीवर्ड मैच हो गया आपका डिस्ट्रक्टिव ये देखो डिस्ट्रक्टिव और डेवेस्टेटिंग यहां पे है फिशिंग वहां भी है फिशिंग ट्रॉलिंग टेक्नोलॉजी ट्रोलिंग टेक्नोलॉजी फिशिंग के लिए इस्तेमाल होती है सो डिस्ट्रक्टिव फिशिंग केम फ्रॉम मैसिव इन्वेस्टमेंट पोर्ट इनटू द कंस्ट्रक्टिंग ह्यूज ड्रैगर्स ड्रैग करना क्या होता है ड्रैग करना होता है सरकाना किसी चीज़ को या किसी चीज़ को खींचना तो बड़े बड़े उनके जाल होते हैं ट्रॉलर्स होते हैं और वो बस उसको नीचे पानी में लटका देते हैं शिप के साथ और बस जहाँ जहाँ वो शिप जाता रहता है जो भी उसके रास्ते में आता है वो ड्रैग होता चलता है वो उसमें फंस जाता है ड्रैगल्स होल हॉल होता है उसमें से निकालना इनॉर्मस नैट्स हेल्ड ओपन बाय अ कम्बिनेशन ऑफ ह्यूज स्टील प्लेट्स एंड हैवी चेन्स स्टील प्लेट होती हैं हैवी चेन होते हैं एंड रोलर दैट प्लो द ओशन बॉटम और एक रोलर लगा होता है जो ओशन के गहराई में खोदता चलता है मतलब यानी कि एक तरह से हल की तरह आगे चलता रहता है दे ड्रैग अप एनी थिंग इन द वे दे ड्रैग अप एनी थिंग रास्ते में कुछ भी आता है उसको सरकारते चलते हैं वो इनफ्लिक्टिंग इमेंस डैमेज

यहाँ पे आ रहा है आपका और ड्रैगर्स होते हैं ये ट्रोलिंग टेक्नोलॉजी है ऑन स्पार्कलिंग बिकमिंग हाईली डिस्ट्रप्टिव लो एक बार फिर वर्ड आ रहा है कितने सारे श्रेणीम हो गए डिस्ट्रक्टिव के डिस्ट्रप्टिव डिस्ट्रोइंग डैमेज डेवेस्टेटिंग तो सभी वर्ड मिलके ये बता रहे हैं कि ये जो ट्रोलिंग टेक्नोलॉजी है दोबारा भी लिखा हुआ है ट्रोलिंग एक्टिविटी रिजल्टेड इन अ फिजिकल डिस्पर्शन ऑफ एग्स लीडिंग टू अ हायर फर्टिलाइजेशन फेलियर जिसकी वजह से वो फर्टिलाइज नहीं कर पा रहे नई कोड मछलियाँ पैदा ही नहीं हो पा रही अंडों में से निकल ही नहीं पा रही और जिसकी वजह से उनकी संख्या कम हो गई है समंदर के अंदर तो ये रीज़न है तो दोबारा एक बार हेडिंग आप देखेंगे तो कहीं पे भी फैक्ट्री क्लोजर की बात नहीं है ह्यूमन कॉस्ट की बात नहीं है मिस मैनेजमेंट की बात नहीं है वार्निंग की बात नहीं है टेक्निक है लेकिन यूरोपियन नहीं है ट्रोलिंग टेक्नोलॉजी की बात है डिस्ट्रक्टिव ट्रोलिंग टेक्नोलॉजी सो दैट इज़ द आंसर तो बड़े सारे बच्चों ने बहुत बहुत तेज़ी से इसको पढ़ के ये आंसर दिया है यानी कि उनके रीडिंग स्किल काफ़ी अच्छे लेवल पे आ चुके हैं चलिए भाई अपना अगला वर्ड देखते हैं अगला क्वेश्चन पैराग्राफ डी की हेडिंग आपको बतानी है तो चलिए पैराग्राफ डी आप देख लीजिए और मैं थोड़ा फोन साइज बढ़ा देता हूं ताकि आप ज्यादा अच्छे से इसको देख पाए पैराग्राफ डी को पढ़ें ध्यान से और उसकी हेडिंग कमेंट में लिखें हरी अप डू इट फास्ट वलनरेबल का मीनिंग वल ममता बूढ़े और बच्चे ज्यादा वल्नरेबल होते हैं जो कि बच्चों की अभी इम्यूनिटी बनी नहीं होती और बूढ़ों की इम्यूनिटी वीक हो चुकी होती है तो उनको बीमारियां अडल्ट से ज्यादा लगती है वल्नरेबल जो आसानी से नुकसान जिसको हो सकता हो नुकसान पहुंचाया जा सकता हो वल्नरेबल हाईली वल्नरेबल डी को पढ़े मैं कमेंट्स बीच में आ, हेडिंग्स भी दिखाता रहता हूं बीच बीच में आपको ये आपकी हेडिंग्स हैं ये पैसेज है डी पैरा राइट इन द कमेंट हरी आप ट्वीट फास्ट कॉन्सेंट्रेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर सच काइंड ऑफ रीडिंग्स अगर आपका ध्यान थोड़ा भी इधर उधर गया तो शायद आप अपना आंसर मिस कर जाओगे फिलहाल तो टाइमिंग की कोई प्रॉब्लम नहीं है मैं यहाँ आपको ज़्यादा वक्त भी देता हूँ लेकिन रियल एग्ज़ाम में टाइमिंग बहुत ज़रूरी है टाइम मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है तो पहला पैसेज दूसरा पैसेज तीसरा पैसेज आपको तीनों में ही एक परफेक्ट टाइम मैनेजमेंट लेके चलना पड़ेगा अगर आप पूरा टेस्ट कंप्लीट करना चाहते हैं और अपना टारगेट बैंड स्कोर लेना चाहते हैं वरना बहुत सारे क्वेश्चन तो आप अटैम्प्ट ही नहीं कर पाओगे और जब क्वेश्चन अटैम्प्ट नहीं होंगे तो फिर आंसर भी नहीं हो पाएगा ओके okay, आप कह रहे हैं इलेवंथ इसका आंसर इलेवेंथ है जी हाँ ज्यादातर बच्चे इलेवंथ कह रहे हैं लेकिन कुछ कुछ बीच में पूजा आप जैसे सिक्स कह रहे हैं और बलजीत आप नाइन्थ कह रहे हैं एक बार हेडिंग देख लेते हैं तो कुछ कह रहे हैं इलेवंथ यानी कि फोरन ओवर फिशिंग तो शायद उन्होंने कोई हिंट देखा होगा चलो देख लेते हैं कैनेडियन फिशिंग लिमिट्स कुछ ये भी कह रहे हैं और कोई सिक्स भी कह रहा है डिस्ट्रक्टिव सिक्स ऑलरेडी हमारा आंसर हो चुका है पूजा शायद आप इस सेशन में लेट आए हो सिक्स ऑलरेडी आंसर हो चुका है तो वो दो जगह की हेडिंग नहीं होगी क्योंकि एक पैरा एक थीम के ऊपर बात करता है अगर ऑलरेडी वो एक थीम पे बात कर चुका है तो दोबारा वो दूसरे पैरा की हेडिंग नहीं हो सकती राइट right? तो देख लेते हैं कि कौन सा कौन सा वो हमारा वर्ड फ्रेज या वो बातें हैं जिससे हमें अपनी हेडिंग पिक करनी है चलिए मैं डी को पढ़ लेता हूँ कैनेडियन मीडिया ओपन साइट कैनेडा की बात आ गई भाई चलो एक हिंट तो मिल गया कैनेडा की बात आ गई कैनेडा तो एक हिंट मिल गया अभी देखना पड़ेगा सिर्फ हिंट मिला है ध्यान दीजिएगा जरूरी नहीं है कि आंसर मिले तो कुछ बच्चे शायद कनेडा को पिक करके नाइन्थ आंसर लिख दें चलो देख लेते हैं एक बार मीडिया ऑफन साइट साइट होता है कहना एक्सेसिव फिशिंग बाय ओवरसीज फ्लीट लो जी ओवरसीज वर्ड आ गया अब तो हमारे पास कंफ्यूजन हो गई क्योंकि ओवरसीज का सिनेम है ये फौरन तो एक कैनेडियन का सिनेम मिल गया या कैनेडियन ही मिल गया और ओवरसीज और फौरन ये मिल गया अब हमें आंसर किससे मिलेगा अगर फिशिंग लिमिट्स की बात है तो आंसर नाइन्थ होना चाहिए और अगर ओवर फिशिंग की बात है ज़्यादा मछलियाँ पकड़ने की बात है तो आंसर इलेवेंथ होना चाहिए और पूरे पैरा में वही बात होनी चाहिए तो देख लेते हैं एक बार तो ओवरसीज फ्लीट्स फ्लीट होता है बेड़ा जहाजों का बेड़ा अलग अलग जहाजों का जत्था ओके okay, लिख सकते हैं आप ऐसे से शब्द प्राइमरिली ड्रीवन बाय द कैपिटलिस्ट एथिक्स कैपिटली जो पूंजीवादी कल्चर uh, होता है बड़े बड़े अमीर लोग हैं इस दुनिया में जो कई कई बिजनेसिस एक साथ करते हैं तो उनके होते हैं इस तरह के आमतौर पर बड़े बिजनेस बड़े बड़े जहाज़ उनके चलते हैं तो प्राइमरीली ड्रीवन बाय द कैपिटलिस्ट एथिक्स एज द प्राइमरी कोज ऑफ द फिशिंग आउट ऑफ ये प्राइमरी कोज है भाई यानी कि जो ओवर over, ओवरसीज के फ्लीट्स हैं जो बाहर से विदेशी जो जहाजी बेड़े आते हैं और वो एक्सेसिव फिशिंग कर लेते हैं तो ये हिंट हमें सारे मिल रहे हैं एक्सेसिव फिशिंग किसका सिननिम हुआ ओवर फिशिंग का और यानी कि फौरन से जो फ्लीट साइज जहाजों के वो एक्सेसिव फिशिंग कर लेते हैं वो प्राइमरी कॉज है कोड की संख्या कम होने का किसकी संख्या प्राइमरी कॉज ऑफ द फिशिंग आउट ऑफ द नॉर्थ अटलांटिक कोड स्टॉक्स स्टॉक्स होता है भंडार कोड का जो भंडार था समंदर में वो उनकी वजह से कम हुआ है अब जो बच्चे 9th को आंसर समझ रहे थे वो ये देख लें कि कहीं फिशिंग लिमिट की बात नहीं है अगर फिशिंग लिमिट की बात कहीं नहीं है तो डेफिनेटली हमारा आंसर इलेवेंथ होगा तो क्या कहीं फिशिंग लिमिट की बात है मुझे नहीं लगता कि इस पर्टिकुलर पैरा के अंदर फिशिंग लिमिट की बात है मैनी नेशन टुक फिश ऑफ द कोस्ट ऑफ न्यू फाउंडलैंड एंड यूज डीप सी ट्रॉलर एंड मैनी ओफन ब्लैट एंडली एक्सीडेड स्टेब्लिश कैच कोटा यहां पे कैच कोटा जरूर है लेकिन वो बता रहे हैं कुछ ने उसको एक्सीड कर दिया कोटाज को मतलब माना नहीं तो यहाँ पे कोटा के बारे में पूरी जानकारी नहीं है कोटा सिर्फ एक वर्ड है कोटा के बारे में पूरा का पूरा ये पैरा नहीं है ये पैरा सिर्फ किसके बारे में है कि बाहर से जो जहाजी बेड़े आए उन्होंने बहुत ज़्यादा मछलियाँ पकड़ ली जो कोटाज थे कि इतनी मछलियाँ पकड़नी है उन्होंने कोटाज को भी एक्सीड कर दिया और जो एग्रीमेंट है उसका पालन नहीं किया देर कैन बी लिटल डाउट दैट नॉर्थ अमेरिकन फिशिंग वॉज कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर इन द कोल्ड स्टोक्स कलप एंड दैट द कैपिटलिस्ट वर एट वर्क इन कैनेडा वर ऑल टू सिमिलर फॉर द फॉरन वेसल्स एंड कंपनी दोबारा वर्ड आ रहा है देखो फॉरन वेसल वेसल का मतलब समुद्री जहाज कंपनी होता है कंपनियां बट ऑल ऑफ दैम ब्लेम कैन नॉट बी पुट देयर नो मैटर हाउ इजी इट इज टू डू एज इट डज नॉट अकाउंट फॉर द मैनेजमेंट ऑफ द रिसोर्स तो यहां पर ज्यादातर बात कैनेडा का जो मीडिया है या कैनेडा जो कह रहा है वो जो ब्लेम कर रहा है ओवरसीज फ्लीट्स को कर रहा है फॉरेन वेसल्स को फॉरेन शिप्स को कर रहा है फॉरेन कंपनीज को कर रहा है कि उन्होंने कोटा का पालन नहीं किया जिसकी वजह से कोड समुंद्र में कम हो गई तो आपका करेक्ट आंसर है इलेवेंथ इलेवेंथ इज योर करेक्ट आंसर मैं इतनी डिटेल में इसलिए समझाता हूं ताकि कोई गुंजाइश ना रहे आप लोगों कोई डाउट ना रहे आपके मन में एक एक वर्ड एक्सप्लेन करता हूं अब से पहले मेरे ख्याल से पंद्रह से बीस शब्द आपके नोट हो चुके होंगे और अभी हमने दो तीन ही क्वेश्चन किए हैं तो बाय द एंड ऑफ दिस सेशन बहुत सारी अच्छी वकेबलरी और बहुत सारी टिप्स ट्रिक्स टेक्निक्स आप तक आ चुकी होंगी अब हमें चाहिए फोर्थ का आंसर पैराग्राफ ई पैराग्राफ ई की हेडिंग चलिए मैं टेक्स्ट का पैराग्राफ ई e का हिस्सा आपके सामने करता हूं और आप पैराग्राफ ई e एक बार पढ़ लें उसका सेंट्रल आइडिया समझ लें के पूरा का पूरा पैरा किस बारे में है ध्यान दें मेरे शब्दों पे सेंट्रल आइडिया सेंट्रल आइडिया सेंट्रल आइडिया सेंट्रल आइडिया वो आइडिया होता है जिसके ऊपर पूरा पैरा लिखा गया है जिसके ऊपर पूरा पैरा घूम रहा है और जैसे ही वो आइडिया खत्म हो जाता है वैसे ही पैरा चेंज हो जाता है तो आप किसी एक शब्द पे दाव ना खेलें पूरे पैरा में किस चीज़ पे बात हुई है उसके हिसाब से आप अपनी हेडिंग चूज करें तो एक बार मैं आपको हेडिंग फिर से दिखा देता हूं ये आपकी हेडिंग्स हैं और आप देखें कि इनमें से सबसे सुटेबल हेडिंग कौन सी है पैराग्राफ ई e की तो ई e पैरा आपके सामने स्क्रीन पे है उसे ध्यान से पढ़ें फोकस कंसंट्रेशन इज हाईली इंपॉर्टेंट इन रीडिंग लिसनिंग इन पर्टिकुलर स्कीमिंग एंड स्कैनिंग स्किम तेज़ी से पढ़ना स्कैन गहराई से पढ़ना स्किम कीवर्ड मैच कराने के लिए पढ़ना स्कैन आंसर पिक करने के लिए पढ़ना तो पहले स्किम करो तेज़ी से पढ़ो और जैसे ही कोई कीवर्ड मैच हो उसके बाद स्कैन करो आंसर के लिए पढ़ो ज्यादातर बच्चे कह रहे हैं कि इसकी हेडिंग है थर्ड तो चलो देख लेते हैं थर्ड ओके तो थर्ड क्या है द ट्रेजिडी ट्रेजिडी यानी कि ये जो दुर्घटना इसे दुर्घटना ही माना जाए क्योंकि कॉड इतनी सारी जब समंदर में कम हुई तो उससे बहुत सारे लोग प्रभावित हुए बहुत सारी इकोनॉमिक जो एक्टिविटीज़ हैं वो बंद हो गई बहुत सारे लोगों को उसका सीधा सीधा नुकसान हुआ स्टेट सरकार मिसमैनेजमेंट उसका गलत प्रबंधन सरकार के मिसमैनेजमेंट की वजह से ये ट्रेजडी हुई है तो क्या ई में ये है हु वॉज टू ब्लेम जी हाँ कहीं ना कहीं इससे हमें एक हिंट मिल रहा है कि इसमें बात उस अथॉरिटी की आ रही है जिसकी वजह से ये ट्रेजिडी हुई है ये दुर्घटना हुई है ठीक है हु वॉज टू ब्लेम एज द एक्सप्लोटेशन ऑफ द न्यू फाउंडलैंड फिशरी वॉज सो प्री डोमिनेंटली गाइडेड बाय द गवर्नमेंट भाई जो फिशरी है न्यू फाउंडलैंड की जो फिशरी है उसमें जो कुछ भी होता है उसको गवर्नमेंट गाइड करती है तो यहां पे गवर्नमेंट वर्ड आ रहा है मैंने आपको बताया था गवर्नमेंट इज द सिरेनिम ऑफ स्टेट गवर्नमेंट इज द सिरेम ऑफ स्टेट स्टेट ओके वी कैन आर्ग्यू हम ये दलील दे सकते हैं आर्ग्यू दलील देना that a फिशरी इज नॉट प्राइवेट एरिया जो फिशरी है जो समंदर है वहां से जो मछली पकड़ते हैं वो प्राइवेट एरिया नहीं है एज द फिशर lacks मैनेजमेंट rights, चूंकि फिशर के पास तो प्रबंधन के राइट है ही नहीं नॉर्मली एसोसिएटेड विद प्रॉपर्टी एंड कॉमन प्रॉपर्टी द स्टेट हैड अप्रोप्रिएटेड द property, तो स्टेट का राइट है स्टेट यानी कि सरकार के राइट है भाई एंड मेड ऑल द मैनेजमेंट डिसीजन सरकार सभी मैनेजमेंट डिसीजन लेती है फिशरमैन गेट टोल्ड उनको बताया जाता है हु कैन फिश कौन फिश करेगा वट दे कैन फिश क्या उन्हें फिश करना है क्या कौन सी मछली पकड़नी है असेंशियली वट टू डू विद द फिश वन इज कोट और जब वो मछली पकड़ लेते हैं तो उसका करना क्या है तो सब कुछ सरकार बताती है उनको जो सरकार उन्हें कहती है वो वही करते हैं इन दिस रिगार्ड इस तरीके से वेना रिसर्च रिसोर्स सच एज द न्यू फाउंडलैंड फिशरी कलेप्सिस तो जब एक न्यू फाउंडलैंड फिशरीज कलेप्स कर गई वहां पर कोड की क्वान्टिटी इतनी घट गई इट इज मोर ऑफ अ ट्रेजिडी ये आर ए सेम वर्ड ट्रेजिडी इधर भी है ट्रेजिडी उधर भी है ट्रेजिडी ऑफ गवर्नमेंट नेग्लिजेंस लो जी ये मिल गया आप आपको आंसर नेग्लिजेंस होता है लापरवाही सरकारी लापरवाही और नेग्लिजेंस इज इक्वल टू मिस मैनेजमेंट नेग्लिजेंस इज इक्वल टू मिस मैनेजमेंट लिख लीजिए नेग्लिजेंस होता है लापरवाही या इग्नोरेंस अभी ध्यान ना देना देन अ ट्रेजिडी ऑफ द जनरल पब्लिक तो ये सामान्य जनता की ट्रेजिडी नहीं है ये सरकार की ट्रेजेडी है माफ कीजिएगा गवर्नमेंट मिसमैनेजमेंट सो दैट इज वाई द करेक्ट आंसर इज थर्ड द हेडिंग फोर ई इज थर्ड फिफ्थ का आंसर आप मुझे बताएंगे पैराग्राफ एफ अब आप पढ़ेंगे एक बार हेडिंग द्वारा देख लीजिए सभी हेडिंग पर नज़र डाल लीजिए और अब तक तो याद भी हो चुकी होंगी और तीन चार हेडिंग ऑलरेडी जा चुकी हैं तो ये एक राहत मिल जाएगी आपको कम से कम तीन चार हेडिंग ऑलरेडी चली गई हैं और अब हमें सिर्फ बची हुई हेडिंग में से ही ढूंढना है तो चलिए अब आप पैराग्राफ एफ पढ़िए और मुझे बताएं कि इसका करेक्ट आंसर क्या है वट इज द करेक्ट आंसर ऑफ पैराग्राफ एफ स्किम करें स्कैन करें स्किम करें कीवर्ड मैच के लिए स्कैन करें आंसर पिक करने के लिए आपको याद हो चुकी हैं सभी पैराग्राफ हेडिंग में जो कीवर्ड थे वो तो जो भी कीवर्ड आपका मैच होता है अभी कोटा वर्ड पड़ा हुआ है ठीक है ना उसे मैच कराने की कोशिश करें ह्यूमन कोस्ट उसे मैच कराने की कोशिश करें तो जो जो हेडिंग देखो अभी नहीं है ठीक है ना मैं बता देता हूं जो हेडिंग अभी पड़ी हुई है तो अभी ये भी पड़ा हुआ है फैक्ट्री क्लोजर ह्यूमन कोस्ट पड़ा, पड़ा, पड़ा हुआ है वार्निंग टू द वर्ल्ड पड़ा हुआ है यूरोपियन टेक्निक हुआ हुआ है 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 टू बी लर्न ठीक ना कैनेडियन फिशिंग लिमिट पड़ा पड़ा हुआ है है और ब्रेकिंग द एग्रीमेंट तो तो अभी कौन सी हेडिंग गई सिर्फ जो मैंने हाईलाइट नहीं की वो हेडिंग खत्म हुई है हमारी तो इतनी सारी हेडिंग पड़ी हुई है तो आप डी को पढ़ें सॉरी एफ को ध्यान से पढ़ें और बताएं इनमें से कौन सी सबसे सुटेबल हेडिंग है दीपेश आप लिख रहे हैं एफ का नाइंथ हेडिंग करेक्ट है हो सकता है करेक्ट हो पर फिर भी मैं एक बार कहूंगा आप ध्यान से पढ़ें प्रूफ रीड कर लें सोच लें सभी डायमेंशन पे सभी तरह से उसके बाद ही अपना आंसर लिखें कोई जल्दी नहीं है एक्यूरेसी इज आर फर्स्ट प्रायोरिटी स्पीड कोई बात नहीं धीरे धीरे हम स्पीड भी बढ़ा लेंगे पर एक्यूरेसी फिलहाल एक्यूरेसी पर आप फोकस करें जो बच्चे आज नए हमसे जुड़े हैं Like लाइक कर, कर दीजिए इस वीडियो, वीडियो को अगर आपको लगता है कि हमारी तरफ से मेहनत हो रही है हमारी तरफ, तरफ से आपको सपोर्ट मिल रही है यह लेक्चर काम का है यह आपकी रीडिंग स्किल को इंप्रूव करेगा या, या आपकी इंग्लिश, इंग्लिश में हेल्प करेगा तो लाइक कर दीजिए सब्सक्राइब कर दीजिए हमारे चैनल को ताकि ये सेशन लगातार आप अटेंड करते रहें और शेयर भी कर दीजिएगा इस वीडियो को दविंदर आप कह रहे हैं सेकंड मनप्रीत आप कह रहे हैं फर्स्ट दविंदर सेकंड ममता आप भी सेकंड बलजीत आप फर्स्ट कह रहे हैं तो यहां पे देखो बच्चे कंफ्यूज हो रहे हैं जहां कंफ्यूजन आएगी वहां एक टीचर की आवश्यकता है डोंट वरी वाई फियर आई एम हियर थोड़ा थोड़ा ह्यूमर भी जरूरी है भाई क्लास में मैं थोड़ा ज्यादा ह्यूमरस रहता हूं अभी मुझे आदत नहीं है यूट्यूब सेशन में इतना ज़्यादा ह्यूमर डालने की क्योंकि थोड़ा कंसर्न इसी चीज पे रहता है कि पढ़ाई पे फोकस किया जाए क्लास में थोड़ा स्पेयर टाइम होता है थोड़ा रिलैक्स्ड मोड में होते हैं So so why I fear if I am here? चलो मेरी बारी एक बार हेडिंग देख लेते हैं दोबारा तो ये आपकी हेडिंग थी और कुछ, कुछ बच्चे, बच्चे कह रहे हैं फर्स्ट है कुछ, कुछ कह रहे हैं सेकेंड है कुछ कह रहे हैं फैक्ट्री, फैक्ट्री क्लोजर फैक्ट्रियां बंद हो गई कुछ कह रहे हैं ह्यूमन कोस्ट यानी कि इंसानी दाम इंसानी दाम ठीक है तो एक बार हम पढ़ लेते हैं और देखते हैं कि एफ की करेक्ट हेडिंग क्या है चलिए और उसके बाद क्या हुआ कहीं ना कहीं थोड़ा हिंट मिल रहा है सेकेंड वाले ह्यूमन पीपल थर्टी थाउजेंड तीस हजार लोगों की जॉब चलेगी तीस हजार लोगों का मतलब है तीस हजार परिवार एक परिवार में एवरेज, अगर जो चार लोग भी हैं जो कि होते हैं चार लोग भी हैं तो, तो देखो, देखो कितने लोग, लोग प्रभावित हुए एक लाख से, से ज्यादा लोग प्रभावित हुए सीधा सीधा थर्टी होगा मॉरेटोरियम सरकार जब कुछ टाइम के लिए राहत दे देती है कुछ टाइम के लिए एक गैप ले लेती है उसे मोरेटोरियम बोलते हैं नदन कोड मॉरेटोरियम यानी कि कोड पे एक ब्रेक लगा दिया कि कुछ टाइम अब नदन कोड नहीं पकड़ेंगे टू टूक इफेक्ट were joined by additional 12000 fishermen and plant worker with more than 40000 people out of job 40000 se jyada log job se bahar chale gaye newfoundland became an economic disaster area aur us area mein newfoundland mein इकोनॉमिक disaster हो गया. आर्थिक संकट हो गया. as processing plant shut down processing plants sh uh, shut down हो गए and vessels from the smart स्मोलेस्ट डोरी टू दस्टर ड्रैगर वेड आइडर जो बड़े बड़े जहाज थे छोटी छोटी शिप स्मोलेट डोरी टू द मॉन्स्टर ड्रैगर मॉन्स्टर यानी कि बहुत विशाल जो बड़े बड़े शिप थे वो खाली रह गए वो पड़े रह गए उनका यूज ही नहीं हुआ या तो विदेशों में उनको बेच दिया और बड़े कम दाम में बारगेन प्राइस ठीक है खरीदा था एक लाख का पाँच पाँच हजार दस दस हजार बस बेच दिए खाली खड़े थे क्या करते हुए भूखे मरते उन, उनको अपने जहाज़ बेचने पड़ गए सेवरल हंड्रेड न्यू फाउंडेंट कम्युनिटीज बट डेवेस्टेटेड और बहुत सारी सैकड़ों कम्युनिटी यानी कि संप्रदाय समाज सोसाइटीज़ यानी कि अलग अलग जो छोटी छोटी कॉलोनियाँ वहाँ बसी हुई थी वो तबाह हो गई डेवेस्टेट हो गई तो इस पूरे में किसने दाम चुकाया इंसानों ने दाम चुकाया द ह्यूमन कोस्ट फैक्ट्री क्लोजर तो सिर्फ एक हिंट है फैक्ट्री तो सिर्फ यहां पे, ठीक है ना यहां हल्का सा हिंट आया है प्रोसेसिंग प्लांट शटडाउन तो ओवरऑल देखो पूरा पैरा ओवरऑल ह्यूमन कोस्ट की बात कर रहा है सबसे ज्यादा खामियाजा इंसानों को भुगतना पड़ा हर तरह से जॉब्स चली गई ठीक है ना कम्युनिटीज बर्बाद हो गई तो सिर्फ आप एक वर्ड से प्लांट शटडाउन से अपना आंसर पिक नहीं करेंगे ये मेरी सलाह है आप लोगों को प्लीज इसको फोकस करें एक शब्द पे दाव ना खेलें वो जानबूझ के क्वेश्चन बनाने वाले ने आपके लिए एक्स्ट्रा हेडिंग वहां पे दी है ताकि आप उस हेडिंग पे बिखर जाओ फैक्ट्री क्लोजर प्लांट इज इक्वल टू फैक्ट्री शट डाउन इज इक्वल टू क्लोजर बट दैट इज ओनली अ सपोर्टिंग आइडिया इन द एंटायर पैरा जो किस बारे में था इंसानों को उसका दाम चुकाना पड़ा यानी कि इसकी सही हेडिंग है द ह्यूमन कोस्ट द ह्यूमन कोस्ट सीखते रहें समझते रहें और अपना आंसर लिखते रहें प्रैक्टिस करते रहें। अब आप मुझे बताएंगे पैराग्राफ जी की करेक्ट हेडिंग क्या है तो मैं पैराग्राफ जी आपकी स्क्रीन पर लेके आ रहा हूं तो ये आ गया पैराग्राफ जी इसे आप ध्यान से पढ़ें मैं आपको हेडिंग बीच में दिखाता रहूंगा जी को ध्यान से पढ़ें और आंसर कमेंट में लिखें राइट योर आंसर्स इन द कमेंट्स एक्यूरेसी फोकस कीजिए टेक योर टाइम टेक योर टाइम कोई जल्दी नहीं है ना मुझे है ना आपको है ठीक है ना कोई हमें मीटिंग में नहीं जाना कोई इस वक्त पार्टीज नहीं चल रही कुछ नहीं है वी आर टोटली फ्री टू इम्प्रूव आर सिचुएशन तो आपको अपनी इंग्लिश की सिचुएशन को इम्प्रूव करना है इंग्लिश के हालात इंप्रूव करने हैं और इंग्लिश के हालात इंप्रूव करने के लिए वकेबुलर इंप्रूव करो ग्रामर इम्प्रूव करो नॉलेज इंप्रूव करो इस तरह के सेशन अटेंड करो काम करो फल अपने आप मिल जाएगा तो कुछ बच्चे लिख रहे हैं नाइन्थ इज द करेक्ट हेडिंग हेडिंग दिखा देता हूं बीच में भाई हेडिंग हेडिंग तो ये रही आपकी हेडिंग्स ठीक है तो कुछ स्टूडेंट्स कह रहे हैं नाइन्थ करेक्ट हेडिंग है नाइन्थ यानी कैनेडियन फिशिंग लिमिट्स लिमिट वर्ड देखो थोड़ा हिंट दे देता हूं लिमिट वर्ड के लिए इन्होंने शायद यूज किया हुआ है कोटा कोटा होता है कितनी पकड़ेंगे एक दिन में अगर उतनी पकड़ ली तो बस आज का काम खत्म एक महीने में इतनी पकड़ ली तो बस अब और मछलियां नहीं पकड़नी कोटा उसे ही लिमिट बोलते हैं सीमा तो देखते हैं क्या ये वर्ड क्या ये करेक्ट हेडिंग है क्या जो आप कह रहे हैं क्या ये करेक्ट हेडिंग है कुछ बच्चे फिफ्थ कह रहे हैं हो सकता है फिफ्थ करेक्ट हेडिंग हो शाबाश वेरी गुड कोशिश कीजिए आप सभी जो भी हेडिंग लिख रहे हैं जरूरी नहीं वो सही है चूंकि सही हैडिंग तो मैं बताऊंगा अभी ओके इट्स माई टर्न इसकी जो करेक्ट हेडिंग है मैं पहले ही बता देता हूं उसके बाद डिस्कस करता हूं इसकी करेक्ट हैडिंग है लेसन्स टू बी लर्न लेसन टू बी लर्न हमें इससे शिक्षा लेनी चाहिए ये जो हुआ है ये जो ट्रेजिडी हुई है न्यू फाउंडलैंड फिशरी में उससे शिक्षा लेनी चाहिए तो देखते हैं क्या पूरा जी पैरा इस बारे में था तो कौन से वो टर्म्स हैं जो हमें ये हिंट दे रहे हैं जिससे पता लग रहा है कि इस पैरा की हेडिंग है लेसेंस टू बी लर्न यूरोपियन नीड ओनली लुक अक्रॉस द नॉर्थ एटलांटिक टू सी वट कुड बी इन स्टोर फॉर देयर कोड फिशरी यूरोपियंस को देखो ना यूरोपियन कैनेडा में जो हादसा हुआ मतलब अब यूरोपियंस को अपने नॉर्थ अटलांटिक जो समंदर है जो एरिया है वहां देखना चाहिए कि कोड के लिए वो क्या करें इन कैनेडा देवर टू बिजी विद मेकिंग प्लान्स कैनेडा में तो वो प्लान बनाने में बहुत बिजी रह गए सेटिंग एक्सपेंसिव गोल्स अपने अपने आप को फैलाने की योजनाएं बनाते रह गए एंड एलोकेटिंग फिश एंड लोड्स ऑफ इट और फिश को एलोकेट करते रह गए बांटते रह गए और बड़ा कुछ ऐसा करते रह गए प्लानिंग में रह गए लेकिन यूरोपियंस को अब पहले से ये देखना पड़ेगा

डिजास्टर क्लैमिटी नेचुरल क्लैमिटी प्राकृतिक हादसा कैनेडियन क्लैमिटी यानी कि जो कैनेडा में ये हुआ था कोड के साथ डेमोनस्ट्रेट वो दर्शाती है दैट वी नाउ हैव द टेक्नोलॉजिकल कैपेबिलिटी टू फाइंड एंड एनी हीलेट तबाह करना एनीहिलेट तबाह करना एवरी कमर्शियल फिश स्टोक तो वो बताता है यानी कि उससे जो सीखने को मिल रहा है कैनेडा में जो हुआ इतनी बड़ी बड़ी मशीनें थी इतना तामझाम था उनके पास उस तामझाम के होते हुए भी उन्होंने समंदर को साफ कर दिया सारी मछलियां खत्म कर दी सारे तामझाम से तो टू एनी रिड्यूस टू जीरो तबाह करना, खत्म करना every commercial commercial नहीं जो व्यापार के लिए होती मछलियों का भंडार होता है समंदर में, उसको तबाह कर दिया, टेक्नोलॉजी बड़े बड़े ट्रोलर्स की मदद से इन एनी ओशन एंड डू इिपेरेबल डैमेज और ऐसा डैमेज कर दिया जो जिसकी भरपाई भी नहीं हो सकती इबल डैमेज टू एंटायर इको सिस्टम इन द प्रोसेस पूरे इकोसिस्टम को पूरे वातावरण को इन कैनेडाज केस अ टू बिलियन डॉलर रिकवरी बिल मे बी ओनली बी अट ऑफ दर्म कोस्ट तो कैनेडा में व्यक्तिगत लोगों को नुकसान हुआ और जो वहां पर कम्युनिटीज थी उनको जो नुकसान हुआ नाउ डिप्राइव्ड ऑफ मीनिंगफुल एंड सस्टेनेबल एम्प्लॉयमेंट इज टैगरिंग मतलब वो है असली तो यहां इस पूरे का जो सेंस निकल के आ रहा था वो यही निकल के आ रहा था कि यूरोपियन जो एरिया है उन्हें कनाडा के इस हादसे से कनाडा की इस कैलेमिटी से कनाडा के इस मिसमैनेजमेंट से सीख लेनी चाहिए तो दिस इज द करेक्ट हेडिंग थोड़ा ट्रिकी था ये आप लोग सही फंसे हैं आप किस किस वर्ड में फंसे होंगे आप फंसे होंगे यूरोपियन टेक्नोलॉजी यूरोपियन की बात हुई है टेक्नोलॉजी की बात नहीं हुई है इसलिए ये हेडिंग नहीं थी ठीक है ना आप फंसे हैं आप कह रहे थे कैनेडियन फिशिंग लिमिट तो कनाडा की बात हुई है लेकिन फिशिंग लिमिट्स की बात फिशिंग कोटास की बात नहीं हुई तो इसीलिए इसका जो आंसर था वो था लेसन टू बी लर्न यूरोप को कैनेडा से लेसन सीखना चाहिए चलिए भाई ये थे आपके क्वेश्चन अब हम आते हैं अपने आगे के क्वेश्चन पे और ये है एमसीक्यूज़ क्वेश्चन तो सबसे पहले आप करेंगे क्वेश्चन नंबर सात जिसमें चार ऑप्शन दे रखे हैं और एमसी की क्वेश्चन में कौन सी टेक्निक लगाते हैं एलिमिनेशन मेथड एलिमिनेशन मेथड जी हाँ एलिमिनेशन मेथड का इस्तेमाल करते हैं आप एम सी क्वेश्चन में तो चारों ऑप्शन पढ़ने पड़ेंगे समझने पड़ेंगे और अगर आपको सीधा अपना आंसर टेक्स्ट से मिल जाए तो सीधा आंसर लिखें कि बी है या सी है या डी है लेकिन अगर सीधा ना मिले तो जो दूसरे तीन ऑप्शन हैं आप उन्हें गलत साबित करने की कोशिश करें तो आपको अपना आंसर मिल जाएगा तो पहले क्वेश्चन पढ़ें द कैनेडियन गवर्नमेंट डिड नॉट वॉन्ट टू रिड्यूस कोड कनाडा की गवर्नमेंट कोड की कैचेस को रिड्यूस नहीं करना चाहती थी यानी जितनी कोड मछलियां वो पकड़ रहे थे समुद्र से उन्नीस से पहले उन्हें कम नहीं करना चाहती थी गवर्नमेंट बिकॉज दे वर वरिड अबाउट क्योंकि वो चिंतित थे दे वर वरिड अबाउट तो इनमें से किसी एक चीज को लेकर चिंतित थे भाई वो पॉसिबल राइजिंग अनएम्प्लॉयमेंट संभावित बेरोजगारी बढ़ जाएगी इसलिए उन्होंने क्वान्टिटी रिड्यूस नहीं की द इकोलॉजिकल इफेक्ट उसके इकोलॉजी पे जो प्रभाव थे इसलिए रिड्यूस नहीं की द मरीन इको सिस्टम मरीन इको सिस्टम की वजह से रिड्यूस नहीं की ड्रास्टिक मेजर्स और कुछ ड्रास्टिक मेजर्स की वजह से कम नहीं किया इनमें से दो ऑप्शन तो बिल्कुल फालतू के होते हैं दो होते हैं जो आपको कन्फ्यूज करेंगे उनमें से एक ऑप्शन को आपको ठीक से पिक करना है तो मैं आपको टेक्स्ट के उस हिस्से में लेके जा रहा हूँ जहां आपको पॉसिबली इस क्वेश्चन का जवाब मिलेगा आप वहां ध्यान से पढ़िएगा और बताइए कि इसका करेक्ट आंसर क्या है चलिए यहां पे आप पढ़िए और बताएं इस पैरा को ए पैरा को पढ़ के मुझे बताएं व्हाट इज़ द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर सेवन मैं दोबारा से आपको क्वेश्चन दिखा देता हूं कनाडा ने उन्नीस से पहले कोड को पकड़ना कम क्यों नहीं किया ए बी सी डी एम्प्लॉयमेंट ना बढ़ जाए मतलब बेरोजगारी ना बढ़ जाए इकोलॉजिकल इफेक्ट की वजह से मरीन इकोसिस्टम की वजह से या ड्रास्टिक मेजर्स की वजह से तो ध्यान से पढ़ें आप कि क्यों नहीं कम किया कुछ बच्चे कमेंट में लिख रहे हैं कुछ वोकेबलरी पूछ रहे हैं स्टैगरिंग स्ट्रैग का मतलब होता है किसी चीज का फ्लो में ना होना वैसे स्टैगर का मतलब ये होता है लेकिन यहां पे जो स्टैगर का मतलब आ रहा है स्टैगरिंग का इनक्रेडिबल जिसपे विश्वास नहीं होता जिसपे विश्वास नहीं होता सुमन आपने पूछा था स्टैगरिंग का मतलब इनक्रेडिबल अमेजिंग जो चीज हमारे विश्वास से बाहर है स्टैगरिंग तो ये जो हुआ था कोड के मामले में वो अनबिलीवेबल था किसी ने भी सोचा नहीं था कि ऐसा हो जाएगा ओके okay, आप बच्चे लिख रहे हैं डी आंसर प्रकाश आप कह रहे हैं डी प्रीति आप कह रहे हैं सी राइटिंग बिंदर आप कह रहे हैं ए तो कई लोग लिख रहे हैं ए कुछ लोग लिख रहे हैं डी यानी कि सभी की मिक्स ओपिनियन है तो यहां पे मैं बता दूं भाई आपका जो करेक्ट आंसर है दोबारा दिखा देता हूं सेवेंथ का जो करेक्ट आंसर है वो है ए जी हां कनाडा उन्नीस से पहले कोड की कैचेज को कम इसलिए नहीं करना चाहता था क्योंकि वो इसलिए परेशान थे कि जितने इतने इसमें लोग इन्वॉल्व हैं वो बेरोजगार हो जाएंगे लेकिन बाद में मजबूरी में उन्हें वो करना पड़ा तो इसका आंसर मैं पढ़ रहा हूं

वर शोक दैट आर रिलेटिवली सोफिस्टिकेटेड साइंटिफिकली बेस्ड फिशरी मैनेजमेंट प्रोग्राम नोट अनलाइक देर ओन हुव गोन सो रॉन्ग द कनेडियन गवर्नमेंट इग्नोर यह रहा आंसर आपका द कनेडियन गवर्नमेंट इग्नोर्ड वार्निंग्स दैट देयर फ्लीट वर एम्प्लॉइंग डिस्ट्रक्टिव फिशिंग प्रैक्टिस एंड रिफ्यूज टू सिग्निफिकेंटली रिड्यूज कोटा साइटिंग उन्होंने मना कर दिया रिफ्यूज टू सिग्निफिकेंटली रिड्यूस कोटा मना कर दिया साइटिंग कथन क्या कहते हुए साइटिंग द लॉस ऑफ जॉब्स एज टू ग्रेटर कंसर्न तो उन्होंने ये कह दिया कि भाई नौकरियां चली जाएगी लोगों की वो ज्यादा बड़ी चिंता का विषय है इसलिए उन्होंने कहा हम नहीं कम करेंगे लेकिन बाद में सब कुछ अपने आप ही बंद हो गया जब मछलियां बची ही नहीं समंदर के अंदर तो आई होप आपको अपना आंसर मिल गया है द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ए साइट का मतलब होता है कथन कहना या कोई रीजन देना साइटिंग रिड्यूस कोटा रिफ्यूज टू सिग्निफिकेंटली reduce कोटा रिफ्यूज मना करना तो ये सारे किसको है ये रहा वॉन्ट टू they कोड worried अबाउट पॉसिबल राइजिंग एम्प्लॉयमेंट तो वरीड कंसर्न कि किसका है कंसर्न ये वर्ड आ रहा आपका अ ग्रेट कंसर्न यानी कि बड़ी चिंता का विषय तो उन्होंने ये रीजन दे के उस टाइम पे वार्निंग को इग्नोर कर दिया चलिए अब आपको करना है ये थोड़ा सा आपके लिए मुश्किल हो जाएगा स्क्रीन पे सारी चीज़ें देखना विच ग्राफ मोस्ट एक्यूरेटली डिस्क्राइब्स कैनेडियन कोड कैच फ्रॉम नाइनटीन फिफ्टी टू नाइनटीन तो कौन सा ग्राफ उन्नीस से उन्नीस में कोड कैच को डिस्क्राइब करता है देखो थोड़ी देर पहले मैंने एक पैरा पढ़ा था जहां पे ये बी पैरा तो यहां बता रखा है देखो 50 में एक लाख टन था 1970 में आठ लाख टन 1975 में तीन लाख टन और 1980 में एक लाख उनतालीस हजार टन और फिर आ गया 1985 में भी है शायद पर 1990 में उनतीस हजार टन तो आपको सिर्फ ये सारे आंकड़े एक बार मैच कराने हैं तो मैं आपको क्वेश्चन दिखा देता हूँ तो उनतीस हजार टन देखो 90 में ए में दिख रहा है वैसे थोड़ा सा ठीक है ना लेकिन आठ लाख टन आठ लाख टन 1970 क्या 1970 में आठ लाख टन था मैं ए को देख रहा हूं फिलहाल मैं ए देख रहा हूँ तो आठ लाख टन उन्नीस सौ सत्तर में तो लग रहा है भाई देखने में ए में ये दोनों आंकड़े मैच हो रहे हैं सत्तर में ये आठ लाख भी है और नब्बे में ये लग भी रहा है कि हाँ उनतीस हजार होगा और क्या ये तीन ए, एक लाख था साठ में साठ में एक लाख था तो मैं नाइनटीन फिफ्टीज़ में कह रहे हैं भाई एक लाख था तो एक बार देख लेते हैं क्या यह तीन लाख था पचहत्तर में तो पचहत्तर ये रहा आपका क्या ये तीन लाख था तो मुझे तो इसका आंसर भाई देखने में ए लग रहा है लेकिन बी भी देख लेते हैं वो भी सेम ही है बी में पचहत्तर तीन लाख सत्तर में ये भी आठ लाख है तो इसका आंसर बाकी भी देखने पड़ेंगे भाई देखो स्क्रीन पे इसे करना थोड़ा मुश्किल है आप चारों इमेजेस को एक साथ नहीं देख सकते तो मैं एक काम करता हूं ए हम देख चुके थे बी को देख लीजिए आप और साथ में ये ये आंकड़े भी देखने पड़ेंगे पचास में एक लाख सत्तर में आठ लाख पचहत्तर में तीन लाख अस्सी में एक लाख उनतालीस हजार उन्नीस में दो लाख पचास हजार और उन्नीस में उनतीस हजार बी देख लीजिए सी देख लीजिए चलिए मुझे लगता है इस क्वेश्चन को इस तरह से नहीं किया जाएगा इसका जो करेक्ट आंसर है वो बी है सिर्फ हमें ये ट्रेंड यहां पे मैच करने थे जिस तरह से आप राइटिंग टास्क वन करते हैं लाइन ग्राफ करते हैं ये बिल्कुल वैसा ही है एक तरह से लाइन ग्राफ दिया गया है कि 60 में इतना था एक लाख था वो तेजी से सिग्निफिकेंटली बढ़ के उन्नीस में वो आठ लाख हो गया फिर वो सिग्निफिकेंटली रिमार्केबली वो रिड्यूस हो गया वो तीन लाख पे आ गया आगे फिर कम हुआ बीच में थोड़ा सा ठीक हो गया लेकिन आगे फिर बहुत ही ज्यादा कम हो गया तो इसका आंसर है बी चलिए हम आगे चलते हैं नाइन्थ क्वेश्चन जी हां नाइन्थ क्वेश्चन आप देखें नाइन्थ क्वेश्चन एमसीक्यूज हैं एमसीक्यू में एलिमिनेशन uh, मेथड यूज करना होता है अकॉर्डिंग टू रीडिंग पैसेज वन विच ऑफ द फॉलोइंग इज नाउ ट्रू अबाउट द न्यू फाउंडलैंड फिशरी इनमें से इन चारों में से न्यू फाउंडलैंड फिशरी के बारे में कौन सी बात सत्य है तो पहले तो एबीसीडी पढ़ लो कैचेज ऑफ 1700 हंड्रेड टन आई ओनली आर परमिटेड एक साल में 1700 टन ही मछली पकड़ सकते हैं तो अगर ये एक बात कहीं लिखी हुई है न्यू फाउंडलैंड फिशरी के बारे में तो ये आंसर होगा नॉर्मल फिशिंग कुड स्टार्ट अगेन इन 2007 2007 में फिशिंग फिर शुरू हो सकती है यह पैसेज पुराना लिखा हुआ है तो शायद ये 2007 से पहले लिखा हुआ था इसलिए यह लाइन यहां पे सेंस दे रही है नो कोड फिशिंग इज अलाउड बट सम अदर स्पीशीज कैन बी कोड कोड नहीं पकड़नी भाई दूसरी मछलियां पकड़ो अब तो और डी है फिशिंग विद ड्रैगर्स विल बी अलाउड अगेन इन 2007 थाउजेंड सेवन ड्रैगर से फिशिंग दो हजार सात में अलाउ करेंगे तो इन चारों में से कौन सी बात सबसे सूट करती है आप बताएं लेकिन उसके लिए भाई आपको टेक्स्ट के उस हिस्से में जाना होगा और वो आप नहीं कर सकते वो मैं आपको लेके जाऊंगा तो चलो मैं आपको बता देता हूं पहले तो ये चारों की चारों जो बातें हैं वो समझनी पड़ेंगी और टेक्स्ट के इस हिस्से में इसका आंसर है चलिए बी में इसका आंसर है तो बताएं बी में किस जगह पे कुछ ऐसा लिखा हुआ है जो न्यू फाउंडलैंड जो फिशरी है उसके लिए आज ट्रू है उन चारों ऑप्शन में से मैं ऑप्शन दोबारा दिखा दूंगा आपको यहाँ पे थोड़ा मैथमेटिक्स लगाना पड़ेगा आपको मैं आपको एक हिंट देता हूँ हिंट ये है 1990 में बंद किया था उन्होंने सारा ताम झाम बानवे में बानवे में और कम हो गया था ये देखो उन्नीस में उन्नीस में इतना हो गया तो कनाडा ने एकदम से बैन कर दिया बानवे में बैन किया और लास्ट लाइन में कह रहे हैं पंद्रह साल लगेंगे भाई पंद्रह साल टू बी हेल्थी इनफ टू विद स्टैंड प्रीवियस लेवल ऑफ फिशिंग पंद्रह साल के लिए कुछ नहीं होगा पंद्रह साल बाद दोबारा आप उतनी ही फिशिंग कर सकते हो विद स्टैंड का मतलब होता है झेल पाना यानी कि समंदर फिर उतनी ही फिशिंग आप झेल पाएगा समंदर दोबारा उतनी ही मछलियां हो जाएंगी लेकिन पंद्रह साल तक कुछ नहीं करना तो आपको उन्नीस सौ बानवे में पंद्रह जोड़ना है और उससे आपको अपना आंसर मिल जाएगा तो बताओ आपके आंसर होगा मैथमेटिक्स का इस्तेमाल करना है यहां पे तो अगर 2007 की बात करूं दो हेड दो ऑप्शन में दे रखा है यहां भी और यहां भी अब दोनों को ध्यान से पढ़ लेते हैं नॉर्मल फिशिंग कुड स्टार्ट अगेन इन 2007 फिशिंग विद डैगर विल बी अलाउड तो शायद डैगर की बात तो कहीं नहीं कर रखी तो इसका करेक्ट आंसर है बी यस बी इज द करेक्ट आंसर जो बच्चे ए कह रहे हैं नहीं ए कहीं नहीं लिखा हुआ आपको कंफ्यूज करने के लिए कहीं सत्रह टन अगर दे रखा होगा तो वो गलत है बट इसका जो करेक्ट आंसर है वो बी नॉर्मल फिशिंग पंद्रह साल बाद शुरू हो सकती है उन्नीस में उन्होंने ये बात कही थी तो उन्नीस बानवे प्लस पंद्रह दो सो यू नीड मैथ्स टू अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन चलिए दस नंबर पढ़िए हु द राइटर ब्लेम राइटर किसे ब्लेम करता है फॉर द कलैप्स कलेप्स होता है गिरना तेजी से गिरना कोलैप्स एकदम से किसी चीज़ का नीचे आ जाना उसे कलेप्स कहते हैं चाहे वो जहाज हो चाहे कई बार बंदा चक्कर खा के गिर जाता है उसे भी कलेप्स करना बोलते हैं कोई बिल्डिंग कलेप्स कर जाती है कोई वॉल्व कलेप्स कर जाती है बिल्डिंग की दीवार कोलेप्स कर जाती है तो राइटर किसे ब्लेम करता है न्यू फाउंडलैंड कोड फिशरी के कलैप्स पे वो जो खत्म हो गई पतन हो गई पंद्रह साल के लिए बिल्कुल बंद हो गई किसे ब्लेम करता है राइटर तो इसमें से एबीसीडी में से आंसर बताएं और मैं इसमें आपको थोड़ा सा हिंट थोड़ी देर पहले आ ही चुका है इसका हिंट ठीक है ना कि किसका कसूर है राइटर ने किसका कसूर निकाला लेकिन मैं आपको टेक्स्ट के उस हिस्से में ले भी जाता हूं जहां राइटर ने इस बारे में बात की है हालांकि थोड़ी देर पहले हमने इसको पढ़ लिया था ई पैरा में है ये बात ई पैरा में चलिए एक बार ई को आप फिर पढ़ लीजिए और मुझे बताएं कि इस क्वेश्चन का जवाब क्या है कुछ बच्चों ने ऑलरेडी लिख भी दिया है शायद उन्हें पीछे की बात याद रह गई जी हां यू आर करेक्ट कुछ बच्चों ने लिख दिया है आंसर कि सी इसका करेक्ट आंसर है कैनेडियन गवर्नमेंट जी हां ये ऑलरेडी हम पढ़ के गए हुए हैं कि इट इज मोर ऑफ अ ट्रेजिडी गवर्नमेंट नेग्लिजेंस देन अ ट्रेजेडी ऑफ जनरल पब्लिक तो सरकारी लापरवाही की वजह से ये हुआ है तो राइटर ने किसका कसूर निकाला है कैनेडियन गवर्नमेंट और यूएस फिशिंग फिस्ट ये तो फालतू में दे रखे हैं आपको कंफ्यूज करने के लिए फॉरेन फिशिंग इंडस्ट्री ये राइटर ने नहीं कहा था देखो आपको कंफ्यूज करने के लिए दे रखा है फॉरन फिशिंग इंडस्ट्री को ब्लेम किसने किया था कनाडा की गवर्नमेंट ने किया था राइटर ने नहीं किया था ये ट्रिक है इस क्वेश्चन के अंदर राइटर ने तो कनाडा की गवर्नमेंट को ब्लेम किया है गवर्नमेंट को ना कि फिशिंग इंडस्ट्री को गवर्नमेंट को चूंकि सब कुछ तो गवर्नमेंट के हिसाब से हो रहा था तो इस क्वेश्चन में ये ट्रिक थी किसी बच्चे को शायद ए लगे किसी को शायद बी लगे डी तो शायद किसी को भी ना लगे चूंकि यूएस की बात नहीं हुई बट करेक्ट आंसर इसका सी है चलिए अब आ जाते हैं यस नो नॉट गिवन क्वेश्चन चार क्वेश्चन है ये आपके यस नो नॉट गिवन वाले तो चलो पढ़ो और बताओ इलेवेंथ पढ़ेंगे पहले डिस्क्रप्शन होता है भंग होना खत्म होना खराब होना डिस्क्रप्शन किसी प्रोसेस का बीच में ही रुक जाना डिसरप्शन ऑफ कोड ब्रीडिंग कोड की ब्रीडिंग breed ब्रीड करना यानी कि प्रजनन करना प्रजन करके संख्या को बढ़ाना कोड ब्रीडिंग वोज आ मेजर फैक्टर इन द न्यू फाउंडलैंड एंड कोड डिजास्टर ये कह रहे हैं भाई कोड की ब्रीडिंग में डिसरप्शन हो गया अगर उसकी ब्रीडिंग में डिसरप्शन ना होता तो कोड की संख्या इतनी कम ना होती समंदर में जिसकी वजह से ये डिजास्टर हुआ ये घटना हुई ये संकट आया डिजास्टर यानी कि संकट डिसरप्शन यानी कि भंग होना तो अगर टेक्स्ट में कहीं ये लिखा हुआ है कि ऐसा कुछ हुआ था जिसकी वजह से जो कोड की आ, ब्रीड थी ब्रीडिंग रुक गई तो आपका यस होगा यस नो नोट गिवन है हां और अगर इसका उल्टा लिखा हुआ है कुछ और लिखा हुआ है तो नो होगा और इस बारे में जानकारी नहीं है तो नॉट गिवन होगा और इसका आंसर आप पढ़ेंगे इसमें तो बताएं भाई इसका आंसर क्या है ध्यान से पढ़ें कीवर्ड मैच कराने पड़ेंगे आपको सेम वर्ड बिल्कुल नहीं मिलेगा ब्रीडिंग वर्ड किससे जुड़ा होता है मैं आपको एक हिंट दे देता हूं फर्टिलाइजेशन फर्टिलिटी फर्टिलिटी फर्टाइल एग के लिए फर्टाइल वर्ड यूज होता है फर्टाइल अगर कोई चीज फर्टाइल नहीं रहेगी तो वो अंडे नहीं दे पाएगी अंडे नहीं दे पाएगी तो उसका प्रजनन उसकी ब्रीडिंग नहीं हो पाएगी उसकी संख्या नहीं बढ़ पाएगी तो टेक्स्ट में कहीं अगर फर्टिलिटी फर्टाइल वर्ड दिया हुआ है और फर्टिलिटी फेलियर वर्ड दिया हुआ है तो वो आपका आंसर हो सकता है हिंट में दे ही चुका हूं आपको भाई ये रहा डिस्पर्शन ऑफ एग्स लीडिंग टू द हाइयर फर्टिलाइजेशन फेलियर तो हां किसकी वजह से हुआ ट्रोलिंग एक्टिविटी जो इन्होंने समुद्र में जाके इतनी ज्यादा हर एक चीज इतनी ज्यादा समुद्र से निकाल दी रिजल्टेड इन अ फिजिकल डिस्पर्शन तो जहां एड्स एग्स होते थे अंडे दे रखे होते थे कोड ने वो ट्रोलर्स में जो वो जाल बिछाते थे वो एग्स डिस्पर्स हो जाते थे अलग अलग हो जाते थे और आपको ही पता है अगर भाई एग्स अपनी जगह से इधर उधर हो जाए डिस्पर्स हो जाए तो उनमें वो गर्मी नहीं बनी रहती और गर्मी नहीं बनी रहती तो उनका टूटना और उनमें से फिश का सक्सेसफुली निकलना नहीं हो पाता जिसकी वजह से सारा काम हो गया जिसकी वजह से कोड की संख्या कम हो गई तो इसका जवाब हो गया यस हाँ फर्टिलाइजेशन रुका प्रोसेस डिस्टरप्ट हुआ भंग हुआ किसकी वजह से ट्रोलिंग की वजह से डिरप्शन ऑफ कोड ब्रीडिंग वॉज अ मेजर फैक्टर इन द न्यू फाउंडलैंड कोड डिजास्टर तो सीधा नहीं लिखा हुआ है शब्दों के अंदर से आपको इस आंसर को निकालना पड़ेगा चलिए अब बारह नंबर क्वेश्चन आप करें फॉरन ट्रॉलर फॉरन यानी कि विदेशी ट्रॉलर यानी कि जो मशीने जो बड़े बड़े जहाज से वो ड्रैगर्स लेके आते हैं फ्रीक्वेंटली फ्रीक्वेंटली उतन बहुत ज्यादा संख्या में बहुत ज्यादा बार नंबर बहुत ज्यादा संख्या में ब्रोक द कैच अलाउेंसेज उन्होंने बहुत ज्यादा कैच अलावेंसेज का मतलब होता है जितनी मछलियां पकड़ना अलाउड था तो उन्होंने बार बार उसे तोड़ा उन्होंने बहुत ज्यादा उसे तोड़ा यहां पे जो सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड है वो है फ्रीक्वेंटली ये क्वालिफाइंग वर्ड है तो अगर टेक्स्ट में कहीं लिखा हुआ है कि विदेशी जो जहाज आए उन्होंने अलावेंसेज को तोड़ा और वो भी बहुत ज्यादा बार तो ये आंसर यस yes होगा अगर इसका उल्टा लिखा हुआ है नहीं तोड़ा तो नो no होगा और इस बारे में कोई जिक्र नहीं है तो नॉट गिवन होगा तो जल्दी से मुझे बताएं कि इसका आंसर क्या है और मैं आपको टेक्स्ट के उस एरिया में ले जाता हूं जहां पे आपको इसका आंसर मिल सकता है और डी में आप इसे ढूंढें और इसका आंसर लिखें नए स्टूडेंट्स जो हमसे जुड़े हैं आज वो, वो लाइक कर दें इस वीडियो को हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ये रीडिंग का सेशन चल रहा है जो हर रोज बारह बजे होता है बजे राइटिंग के सेशन में आपसे फिर मुलाकात होगी और तो तीन बजे के टाइमिंग कर सकते हैं अदरवाइज रीडिंग वीक है तो बारह बजे राइटिंग वीक है तो शाम को पांच बजे और इसमें मैं इतना कंटेंट आपको दे दूंगा या आपके बाकी के मॉड्यूल्स में भी खुद बे खुद हेल्प हो जाएगी जैसे कि स्पीकिंग और तो आप लोग कह रहे हैं यस तो, तो देख लेते हैं भाई ये ये क्यों है? क्वेश्चन क्या था? Foreign ने तो frequently ब्रो, ग, रूल तोड़ा, तो तो आ गया आपका। कई सारे देशों ने गहरे समंदर के ट्रोलर्स का इस्तेमाल किया तो ये आ गया फोरन और ट्रोलर एंड मैनी ओफन 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 इज इक्वल टू फ्रीक्वेंटली ओफन इज इक्वल टू तो फ्रीक्वेंटली ओफन यानी कि अक्सर अक्सर यानी कि बार 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 यानी कि फ्रीक्वेंटली ब्लैट एंडली बड़ी, बड़ी रूखेपन से बड़े गलत तरीके, तरीके सेच से, कोटा यानी कि जो स्थापित किया हुआ था कि भाई इतने टन मछली पकड़नी है तो उन्होंने बार बार ब्लैट एंडली एक्सीड कर दिया कोटाज को एंड्रीटी अग्रीमेंट तो उसको भी एक्सीड कर दिया जो समझौता हुआ था उस समझौते को उन्होंने तोड़ा तो इसकी वजह से आंसर जितनी सीमा है अलाउंसिस जितना अलाउ है यहां भी कैच था और वहां भी कैच था यहां ब्रोक है और वहां वहां एक्सीड है एक्सीड यानी कि उन्होंने उसको पार कर दिया उसका उल्लंघन कर दिया तो सेम वर्ड नहीं होंगे सिमिलैरिटीज होगी और उस सिमिलैरिटी को ही सीखना है वही रीडिंग स्किल है चलिए अब तेरा नंबर क्वेश्चन को पढ़ें और जवाब दें तेरा नंबर क्वेश्चन देर वॉज ओपन कंफ्लिक्ट कंफ्लिक्ट होता है मतभेद झगड़ा कंफ्लिक्ट बिटवीन द फॉरन फिशरमैन एंड द कनेडियन अथॉरिटीज ये कह रहे हैं विदेशी मछुआरे और कनाडा की सरकार कनाडा की अथॉरिटीज का मतलब जो भी, भी वहाँ पे ऑफिशियल्स हैं उनके बीच में अक्सर मतभेद रहता था, था रहता था अब आप बताएं इसका करेक्ट आंसर क्या है, है? ऐसे क्वेश्चन आमतौर पे अगर टेक्स्ट में इस बारे में कोई जानकारी नहीं है तो ऐसे क्वेश्चन आमतौर पर अब मैं जो पैरा पढ़वा रहा था आपको देखो इसी में ही है फॉरन फिशिंग uh, की बात तो, तो इसमें कहीं भी फॉरन फिशरमैन का पंगा था या उनका झगड़ा था कनाडा के अथॉरिटीज के साथ इसका जिक्र नहीं हुआ और भी कहीं इसका जिक्र नहीं है क्योंकि और तो, तो, तो कहीं पे फॉरन फिशरमैन की बात ही नहीं है तो इस वजह से इसका आंसर नॉट गिवन है इस पे ज्यादा टाइम आपको लगाने की जरूरत नहीं है तो ये नॉट गिवन है एक बार लास्ट क्वेश्चन और देख लीजिए यूरोप डज नॉट फेस द सीरियसनेस ऑफ द कैनेडियन डिजास्टर Does not face the of the अब आप देखें टेक्स्ट में आपको उस एरिया में लेके जाता हूं जहां इसका जवाब आपको मिल सकता है और यूरोप की बात तो लास्ट में हुई है यूरोप की बात सबसे आखिरी में हुई है तो इसमें आप देखें तो दो जगह पे यहां भी यूरोप लिखा हुआ है और यहां भी यूरोप लिखा हुआ है अब आप मुझे बताएं कि वो जो स्टेटमेंट है दोबारा पढ़ लेते हैं यूरोप डज नॉट फेस द सीरियसनेस सीरियसनेस गंभीरता ऑफ द कैनेडियन डिजास्टर कैनेडियन डिजास्टर की सीरियसनेस को यूरोप फेस नहीं करता उसका सामना नहीं करता तो यहां से आप मुझे बताएं कि इसका आंसर क्या है यस yes है नो no है या नॉट गिवन है यानी कि कनाडा में जो डिजास्टर हुआ है यूरोप में वो डिजास्टर नहीं है ये क्वेश्चन कह रहा है लेकिन टेक्स्ट क्या कह रहा है ध्यान से देखो कोड पॉपुलेशन इन यूरोपियन वाटर आर नाउ सो डिप्लीटेड दैट साइंटिस्ट हैव रिसेंटली वॉन्ट दैट ऑल फिशरी इन दिस एरिया दैट टारगेट कोड शुड बी क्लोज तो भाई यूरोप में भी सेम चीज हो गई जो कनाडा में हुई थी उसमें भी हो गई उसने भी उस चीज का सामना कर लिया और क्वेश्चन क्या कह रहा है क्वेश्चन कह रहा है यूरोप डज नॉट फेस द सीरियसनेस ऑफ द कैनेडियन डिजास्टर यानी कि जो कनाडा में जितना गंभीर हो गया था मामला यूरोप में मामला उतना गंभीर नहीं है और जबकि टेक्स्ट कह रहा है कोड पॉपुलेशन इज इन यूरोपियन वाटर आर नाउ सो डिप्लीटेड होता है कम होना घिस जाना खत्म हो जाना डिप्लीट ओजोन लेयर डिप्लीट हो रही है पतली हो रही है कम हो रही है दैट साइंटिस्ट हैव रिसेंटली साइंटिस्ट ने कर दिया है आगाह कर दिया है बंद करो कोड मछली को पकड़ना बंद करो उन सब फिशरीज को जो कोड मछली पकड़ती है तो ये है आपका क्वेश्चन का आंसर। द कंक्लूजन दैट्स इट तो आपके लिए दो चार बातें हैं जो मैं बताना चाहता हूं सबसे पहले जो नए बच्चे हैं उनका हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद उम्मीद करता हूं आपको ये सेशन जरूर यूजफुल uh, लगा होगा वो कैप के हिसाब से रीडिंग स्किल इंप्रूव करने के हिसाब से टिप्स ट्रिक्स टेक्निक्स और जो क्वेश्चन टाइप्स मैंने डिस्कस किए हैं उनको समझने के हिसाब से और आपको कुछ जानकारी कुछ नॉलेज भी मिली होगी तो ये सारे काम इस एक सेशन में से हुए होंगे दूसरी बात मंडे से मंडे से हम लोग मंडे से छः बजे लाइव स्पोकन इंग्लिश की क्लासेस शुरू कर रहे हैं डे वाइज प्लान के साथ जी हाँ बिल्कुल शुरू से शुरू करेंगे ए बी सी डी से शुरू करेंगे और धीरे धीरे करके आपको पूरी जो कंप्लीट इंग्लिश के लिए जो सेंटेंस फॉर्मेशन चाहिए जो भी इंग्लिश के लिए चाहिए उस पर धीरे धीरे काम करेंगे एक्टिविटीज भी होंगी एक्सरसाइजेज भी होंगी तो सब कुछ होगा तो एक तो इस चीज़ को आप ध्यान में रखें कि छः बजे मंडे चौबीस तारीख से हम यूट्यूब का स्पोकन इंग्लिश का लाइव सेशन शुरू करेंगे छः बजे के टाइमिंग पे दूसरी बात मैंने एक नया चैनल शुरू किया है इंग्लिश स्पीचेस कलेक्शन के नाम से उसका अभी लिंक कमेंट में भी हम दे देंगे और आपको नीचे भी मिल जाएगा उस पर सिर्फ और सिर्फ स्पीचेस विद सब टाइटल्स हम डालते हैं जहां से आप अपनी लिसनिंग नई वकेबुलरी अपने ग्रामेटिकल सेंटेंस स्ट्रक्चर अपना प्रोनाउंसिएशन उन स्पीचेस को सुन सुन के ठीक कर सकते हैं वो आइल्स वाले स्टूडेंट के लिए बहुत यूजफुल हो सकता है तो उस चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करें ठीक है और अगली बात पाँच बजे का सेशन राइटिंग का आज रहेगा जिसमें मैं राइटिंग टास्क वन डिस्कस करने वाला हूं जो कि पिछले दो दिनों में मैंने राइटिंग टास्क टू को डिस्कस किया है तो आप उस सेशन में मौजूद ज़रूर रहें तो कैबलरी के सेशन तीन बजे होते हैं इसके अलावा आयल्स के इंटरव्यू विद फीडबैक और असेसमेंट बहुत सारे हमारे यूट्यूब चैनल पर ऑलरेडी अवेलेबल हैं आप उन्हें देख सकते हैं और अपनी स्पीकिंग की एक असेसमेंट का आइडिया खुद लगा सकते हैं लेकिन अगर आपको लगता है कि नहीं मैं चाहता हूं मुझे कोई टीचर मिले जो मेरी स्पीकिंग असेस करे तो उसके लिए आप स्क्रीन पर जो नीचे नंबर स्क्रोल हो रहा है एट फाइव सेवन जीरो एट थ्री एट वन फोर वन आप उस पर कॉल करें और वहां से आप पूछें कि किस तरह से आप स्पीकिंग के इंटरव्यूज़ हमें दे सकते हैं इसी तरह आप उनसे अपनी राइटिंग भी चेक करा सकते हैं वो सर्विस भी अवेलेबल है हमारी टीम बैठी है सारा दिन जो स्टूडेंट्स होते हैं उनके राइटिंग असेसमेंट चलते हैं उनके स्पीकिंग इंटरव्यूज चलते हैं तो आप उसमें भी अपने आप को एनरोल करा सकते हैं जो भी बच्चे आज हमारे साथ नए जुड़े हैं थैंक यू वेरी मच और जो पुराने बच्चे लगातार हमसे जुड़े हुए हैं उनका भी पेशेंस के लिए उनका भी हमारे साथ जुड़े रहने के लिए धन्यवाद सब्सक्राइब जरूर करें इस चैनल को लाइक करें और शेयर जरूर कीजिएगा जैसे ही ये सेशन खत्म होगा इसको अपने किसी एक मित्र के साथ शेयर जरूर कीजिएगा जो आपके साथ आयल्स कर रहा है जो इंग्लिश सीखना चाहता है आयल्स करने वाला है मैं चाहता हूं कल के सेशन में आज से भी ज़्यादा स्ट्रेंथ हो ऑलराइट right? तो आपके सहयोग से ये चैनल ऐसे ही ग्रो करेगा आपके सहयोग से हम टीचर्स ग्रो करेंगे अच्छी टीचिंग ग्रो करें यही मेरा मकसद है और यही शायद आपके लिए भी यूजफुल रहेगा सो so, आज के इस सेशन के लिए यहाँ पे आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप लोग सीखते रहें खुश रहें आबाद रहें स्वस्थ रहें ये सबसे बड़ी प्रायोरिटी है और अब मुलाकात होगी आपसे पाँच बजे के लाइव सेशन में उससे पहले तीन बजे का वो कैप सेशन देखना मत भूलना बाय बाय टेक केयर अपना ध्यान रखिए